अच्छा जी, तो भाइयों अब हम शुरू करते हैं अपनी बात। अच्छा, ये कोई प्रेजेंटेशन नहीं है, ये हमारी आज की पहली प्रॉपर क्लास है। ठीक है जी, तो जो भी लोग इसमें इनरोल हो चुके हैं उनको भी इसका लिंक बता दिया गया है। ये लाइव वीडियो यहाँ पे मौजूद रहेगी इसी तरह। ठीक है, ये हम इसको इसको रिमूव नहीं करेंगे, हम यहाँ पे ये मौजूद रहेगी। तो अगर किसी ने मिस कर दिया है तो वो बाद में भी इसको आके देख सकता है, कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं है। अच्छा, तो हम ये पहली क्लास एक्चुअली कंडक्ट कर रहे हैं। अच्छा, लेकिन ये जो मैंने आपके सामने स्लाइड ओपन की हुई है, इसका जस्ट मकसद ये कि थोड़ा सा आपको ना बताया जाए कि ये कोर्स है क्या और इसमें हम करने क्या जा रहे हैं। क्योंकि अगर आपको पता हो ना कि हम क्या करने जा रहे हैं, मेरा फेस आ रहा है यहाँ पे और यहाँ पे ये मेरा स्लाइड्स आ रही हैं। अच्छा, तो एक स्लाइड से हम गो थ्रू करते हैं, दो चार स्लाइड्स हैं और उसके बाद इंशाल्लाह हम कोशिश करेंगे कि अलेक्सा का हम हेलो वर्ल्ड बना लें आज। अच्छा, तो हम चलते हैं जनाब। सबसे पहले तो आपको मैं दिखाना चाहता हूँ कि अलेक्सा की कौन कौन सी डिवाइसेस हैं जो हमारे पास जो है ना अभी इस वक्त मौजूद है मार्केट में। तो ये वो डिवाइसेस हैं जो इस वक्त मार्केट में मौजूद हैं हमारे पास। अच्छा, इसके अंदर आपको एक छोटी डिवाइस दिख रही है, अगर आपको मेरा कर्सर नज़र आ रहा हो तो। अच्छा, और उसके अलावा एक बड़ी डिवाइस है उससे थोड़ी, और एक बिल्कुल बड़ी डिवाइस है। ये जो तीनों डिवाइसेज हैं ये वॉइस बेस है, इसमें बोल के बात होती है सिर्फ। अच्छा, और कुछ इनकी अभी रिसेंटली स्क्रीन वाली डिवाइसेज भी मार्केट में इंट्रोड्यूस करवाई जा चुकी हैं, जिसमें क्या होता है कि आपको स्क्रीन के साथ नज़र आ रहा होता है। अच्छा, कुछ लोग कह रहे हैं कि आपका ना सीखने के लिए आए हैं यहाँ पे, तो इस वजह से आपको स्क्रीन दिखा रहा हूँ मैं अपनी। ठीक है जी, आपको अपना चेहरा नहीं दिखा रहा मैं आपको मैं अपनी स्क्रीन दिखा रहा हूँ। अच्छा, फिर एक ये छोटी सी डिवाइस भी आप देख रहे हैं, गोल सी अंडे की तरह, ये भी डिवाइस इनकी मौजूद है। अच्छा, बीच में बिल्कुल एक यूएसबी की स्टिक नज़र आ रही है आपको, ये असल में अमेज़ॉन का टीवी है। ये अमेज़ॉन का टीवी है और इसमें भी अलेक्सा जो है वो मौजूद है बाय डिफ़ॉल्ट। अच्छा, अब हम चलते हैं इससे और आगे। इस वक्त अलेक्सा के 40 मिलियन एक्टिव यूज़र मौजूद हैं सिर्फ यूनाइटेड स्टेट्स के अंदर। क्योंकि हो सकता है ये जो डिवाइसेज हैं जो मैं आपको दिखा रहा हूँ, हो सकता है आपने ये डिवाइसेज पहले ना देखी हो, और बिल्कुल सही भी, अगर आपने नहीं देखी तो कोई ऐसी बात नहीं है, मतलब आपने कुछ मिस नहीं किया है। क्योंकि पाकिस्तान में ये डिवाइसेस अभी उस तरह से इंट्रोड्यूस नहीं करवाई गई हैं जिस तरह से यूएसए में और दूसरी यूरोपियन कंट्रीज़ में ये मुतारुफ कराई गई है, इस तरह से पाकिस्तान में अभी ये मुतारुफ नहीं करवाई गई है। लेकिन जस्ट आपके नॉलेज के लिए कि 40 मिलियन एक्टिव यूज़र सिर्फ यूनाइटेड स्टेट्स में ये क्लेम करते हैं अलेक्सा वाले। अच्छा, अब हम आगे देखते हैं कि क्या इसकी जॉब्स हैं मार्केट में। तो ये अपवर्क एक मार्केट प्लेस है जहाँ पे फ्रीलांसर जाते हैं और वो लोगों के लिए, मुख्तलिफ लोगों के लिए जॉब्स करते हैं। अच्छा, तो किसी को भी अमेरिका में या कनाडा में या यूरोप में या इवन पाकिस्तान में भी अगर किसी को कोई भी काम करवाना है तो वो यहाँ पे जाके पोस्ट कर देता है। ये समझे अलेक्सा है, ओएलएक्स है सॉफ्टवेयर डेवलपर्स का, तो ओएलएक्स पे वो जाके बोल देता है, यानी कि अपवर्क पे, कि भाई साहब मुझे ये काम करवाना है, तो कितने में आप कर देंगे ये बता दें। अच्छा, तो इसमें जाके आप चैट बॉट अगर लिखेंगे तो आपको तकरीबन 1200 जॉब्स चैट बॉट की इसमें नज़र आएंगी। ठीक है, जिसमें एंट्री लेवल भी है, इंटरमीडिएट भी है और एक्सपर्ट लेवल भी है, तीनों लेवल की जॉब्स मौजूद हैं। ऑन अदर हैंड, अगर आप सिर्फ अलेक्सा लिखते हैं, क्योंकि चैट बॉट अलेक्सा के अलावा भी होते हैं, तो सिर्फ आप अगर अलेक्सा लिखते हैं तो उसमें भी आपको तकरीबन 39-40 के करीब जॉब्स इसमें नज़र आ रही हैं। अच्छा, तो इसका मतलब क्या है कि सिर्फ अलेक्सा भी अगर आप सीख जाते हैं तो आपके लिए मार्केट में जॉब्स अवेलेबल हैं। अच्छा, और ये मैंने सिर्फ एक मार्केट प्लेस ओपन किया हुआ है, इस तरह के बहुत सारे मार्केट प्लेसेस हैं जिसमें फाइवर शामिल है, जिसमें फ्रीलांसर करके एक है प्लेटफॉर्म, एक पीपल पर आवर के नाम से है, और एक एक गुरु भी है, वो भी बहुत सारे लोग मैंने देखा यूज़ करते हैं।
तो काफ़ी अच्छे प्लेटफॉर्म्स हैं और इन तमाम प्लेटफॉर्म्स पे ही कुछ ना कुछ जॉब अलेक्सा की अवेलेबल है। अच्छा, अब आप ये सोच रहे होंगे कि यार इसमें जो लोग पहले से फ्रीलांसर हैं या जो लोग पहले से सॉफ्टवेयर डेवलपर हैं, आप ये सोच रहे होंगे कि यार दूसरी टेक्नोलॉजी में तो जॉब में आपको 2000 जॉब दिख रही होती है, लेकिन ये जो प्लेटफॉर्म है ये बिल्कुल नया प्लेटफॉर्म है। जैसा कि आप खुद भी जानते हैं, ये बिल्कुल एक नया प्लेटफॉर्म है, इसके बारे में अभी लोगों को इतना नहीं पता, इवन गोरों को भी नहीं पता। अच्छा, तो आप अगर इस प्लेटफॉर्म में आते हैं और इस अलेक्सा के लिए अगर आप जॉब हंट करने की कोशिश करते हैं, तो इसमें आपको बेनिफिट सब में बड़ा ये है कि आपका कॉम्पिटिशन ही कोई नहीं है। ऑन अदर हैंड, अगर आप वेब डेवलपमेंट में देखें तो आप कहीं पे भी जाएंगे ना, किसी भी महफिल में आप बैठे हुए होंगे, कहीं आप शादी में, सब लोग जाते हैं तो आप शादी में गए हुए होंगे ना, तो आपको एक दो वेब डेवलपर तो वैसे ही मिल जाएगा। कहीं आप किसी से हाथ में लेंगे, हाँ भाई क्या करते हो, वेब डेवलपर हूँ। अच्छा, हाँ भाई क्या करते हो, मैं एंड्रॉयड का डेवलपर हूँ। तो उन डेवलपर्स की तादाद मार्केट में बहुत ज़्यादा है, जॉब ज़्यादा होने से नहीं होता, तादाद भी बहुत ज़्यादा है, तो उसमें टफ कॉम्पिटिशन है। लेकिन अलेक्सा में, चैटबॉट्स में, वॉइस एप्लीकेशन में, इसमें आपके पास इतना ज़्यादा कंपटीशन नहीं है एज कंपेयर टू दूसरी जो फील्ड्स हैं। इस वजह से इसके अंदर अच्छा जी, अब हम आगे चलते हैं। ये एक हदीस मैंने कोट की है, ये अबू सईद खुजरी से रिवायत है, जो लोग रिलीजियस हैं वो उनके लिए मैंने ये यहाँ पे रखा है। मेरे खुद की भी अगर आप पूछे ना कि मेरे इस फील्ड में आने का रीज़न क्या है, तो वो भी यही हदीस है। अच्छा, तो इन्होंने ये आप सल्लम से रिवायत की है कि बाई द वन हुज होन हुज हैंड इन माई सोल, के कसम उस ज़ात की जिसके कब्ज़े में, ये उर्दू इसका तर्जुमा है। द आवर विल नॉट बी एस्टेब्लिश्ड, आवर मतलब क़यामत, क़यामत जब तक नहीं आएगी, अनटिल प्रेडिटर्स स्पीक टू पीपल एंड अनटिल द टिप ऑफ Man's whip, इंसान की जो छड़ी है और जो दरिंदे हैं वो इंसान से बात ना करें, एंड द स्ट्रैप ऑफ हिज सैंडल या शूज स्पीक्स टू हिम, कि आपकी जूती का तस्मा आपसे जब तक बात ना करे, जब तक क़यामत कायम नहीं होगी। अच्छा, तो इस हदीस से भी हमें ये पता चलता है कि क़ुर्ब क़यामत में एक ऐसा टाइम आएगा कि जिसमें सारी चीज़ें आपसे बात करेंगी। अच्छा, तो जो इसमें जिक्र है जूते का तस्मा, कि यार जूते का तस्मा भी आपसे बात करेगा, तो इसका मतलब ये नहीं कि तस्मा बात करेगा, इसका मतलब ये कि तकरीबन सारी चीज़ें बात कर रही होंगी। ठीक है, तो आप इस, हम ऑलमोस्ट उस दौर में पहुंच चुके हैं, आप देखें वेरिएबल्स हैं हमारे पास, ये भी हमसे बात कर रहे होते हैं किसी ना किसी फॉर्म में, लेकिन मेरा ये ख्याल है कि ये एक्चुअल बात करने की बात हो रही है। ठीक है, और 2006 में नाइकी ने एक शूज़ भी इंट्रोड्यूस करवाया था, जो एक्चुअल में उसमें स्पीकर लगा हुआ था वो बोलता था। ठीक है, तो एक ये भी आपके पास एविडेंस है जो रिलीजियस साइड से लोग हैं, कि ऐसा एक टाइम आने वाला है कि वॉइस एप्लीकेशन का जो है ना वो उरूज होगा बिल्कुल। अच्छा, तो अब हम ये, अच्छा यहाँ पे हम इसको रोकते हैं और हम थोड़ा सा वापस पीछे चलते हैं, यहाँ पे आ जाते हैं। अच्छा, कि ये जो अलेक्सा के डिवाइसेस हैं, हमें क्यों इसको सीखना चाहिए? ठीक है, सब चीज़ें बातें करेंगी, सब कुछ होगा, लेकिन अलेक्सा की डिवाइस ऐसा कौन सा तीर मार रही है जो बाकी नहीं कर रहा है? अच्छा, थोड़े से मैं आपके कमेंट्स भी देखता चलूँ। ओके, अच्छा, तो हम ये जिक्र कर रहे थे कि ऐसा क्या कमाल कर दिया है अलेक्सा की डिवाइस ने कि हम उसको सीखें। देखें जी, बहुत सिंपल सी बात है, मेरे पास यहाँ पे भी डिवाइस पड़ी हुई है उसी तरह, आप देखें कितना ज़बरदस्त है ये। ए गूगल, हु इज़ द प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका? द प्रेसिडेंट ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका इज़ जो बाइडेन। अच्छा, फौरन इसमें देखें जवाब दे दिया। ए गूगल, व्हाट्स द वेदर? करंटली इन कराची इट्स 21 डिग्रीज विद हेज। Tonight, the forecast is for a high of 19 and a low of 14 and clear. मेरे हाथ यहाँ पर हैं। तो ये बोल के बात हो रही है सारी। ए गूगल, सेट टाइमर फॉर 4 मिनट्स। Alright, 4 मिनट्स, and that's starting now. अब ये 4 मिनट बाद खुद से रिंग होगा। ए गूगल,
Set alarm for tomorrow 7 a.m. All right. What time? 7 a.m. Tomorrow at 7 a.m. Set. जबरदस्त हो गया. अच्छा यही काम अगर आप अभी मैंने इसमें दो मिनट में ना बोल के अलार्म सेट कर दिया. अगर यही काम आप करना चाहें अपना मोबाइल सब लोग निकालें जो भी लोग अभी लाइव वीडियो देख रहे हैं अपना मोबाइल निकालें और निकाल के उसमें आप अलार्म सेट करने की कोशिश करें बहुत मुश्किल है. तो ये क्लियर है बिल्कुल कि अगर बोल के बात करने वाला कंप्यूटर हो ना. कंप्यूटिंग अभी हम कौन सी करते हैं अभी हमारी जो कंप्यूटिंग होती है वो माउस से करते हैं या तो कीबोर्ड से करते हैं या तो टच स्क्रीन होती है. आपके पास जितने भी लोग मोबाइल पे इस वक्त देख रहे हैं उनके पास टच स्क्रीन वाला मोबाइल है. आप उसको निकालें और उसमें ढूंढने आप ढूंढता रह जाता है बंदा मेन्यू में चीज़ें मिलती नहीं है. तो वॉइस कंप्यूटिंग जो है हमारी कंप्यूटिंग को बहुत ही फास्ट करने वाली है. आप इमेजिन करें बहुत सारे जो जो बड़ी उम्र के लोग हैं जिसमें हमारी नानी दादी अम्मी अबू वगैरह भी शामिल हैं तो उनको अगर आप ये सिखाना चाहें कि यार मोबाइल पे ना कॉल कैसे लगाते हैं तो उनको ये सिखाना भी बड़ा मुश्किल है. अच्छा अगर उनको ये YouTube चलाना सिखाना हो बहुत मुश्किल है. लेकिन अभी आप सब लोग YouTube ओपन करें उसमें माइक का छोटा सा बटन है वो प्रेस करें कुछ भी बोलें वो वीडियो लेकर आ जाता है. तो इससे अब बड़ी उम्र के लोग भी ये चला रहे हैं. अच्छा अब इसको थोड़ा सा हम नेक्स्ट लेवल पे लेके चलते हैं. ATM पे सब लोग जाते हैं. हमारे यहाँ रिसेंटली अभी ये कर दिया गया है कि पेंशन वगैरह जो लोगों को मिलती है वो ATM कार्ड उनको बना के दे दिया उसमें जाके ATM से वो ले रहे होते हैं. अच्छा इसी तरह और भी डेली लाइफ की कंप्यूटिंग जो है वो बहुत सारी है सिर्फ वो ATM नहीं है. अब वो बेचारों के साथ होता ही है कि उनको ATM समझ नहीं आ रहा होता उनकी आँखें भी कमज़ोर हो चुकी होती हैं स्क्रीन पे क्या लिखा हुआ है उनको नहीं पता चल रहा होता ठीक है ना. वो कार्ड उसको इंसर्ट करके अब वो कहता है भाई पिन डालें अब वो पिन उनको समझ में नहीं आता. पिन समटाइम वो भूल भी जाते हैं कि यार मेरा पिन क्या था मुझे याद ही नहीं है. तो फिर दूसरे लोगों की हेल्प उनको लेनी पड़ती है जो वहाँ पे मौजूद होते हैं. थैंक यू बंद कर देना इसको. अच्छा तो दूसरे लोगों की उनको हेल्प लेनी पड़ती है. अच्छा उससे होता क्या है इनकन्वीनियंस होता है. अगर वहाँ पे कोई मौजूद नहीं है तो वो बेचारे खड़े होकर अब इंतज़ार करेंगे कि कोई आए. अच्छा फिर ATM कार्ड में अगर आपने कार्ड इंसर्ट कर दिया और थोड़ी देर तक कुछ किया नहीं तो वो कार्ड खा जाता है बूढ़े लोगों की ज़ुबान में कि यार ATM ने मेरा कार्ड खा लिया अब ये दे रहा ही नहीं है मुझे कार्ड मेरा कार्ड रख लिया इसमें. तो ये बहुत सारी इनकन्वीनियंस होती है जिनका उनको सामना करना पड़ता है. अच्छा लेकिन बहुत ही जल्दी आपकी सोच से भी ज़्यादा जल्दी ये होने वाला है कि जितने भी ATM मशीन्स होंगी ना इन सब में वॉइस पे जाके बात करेगा बंदा. अच्छा क्या बोलना है आपने जाके सिर्फ बोलना है कि यार मुझे कितने पैसे निकालने हैं. आपने कार्ड इंसर्ट किया आपने कहा यार मुझे पैसे निकाल के दो. उसने पूछा यार आपका पिन क्या है आपने बोला पिन उसको समझ में आ गया. तो इससे बहुत ही रेवोल्यूशनाइज होने वाला है डेली लाइफ की जो कंप्यूटिंग है वो बहुत आसान होने वाली है. मिसाल के तौर पे मैं बोल के बहुत सारे काम करवा रहा हूँ. अभी मुझे अलार्म सेट करना था बोल के सेट करवा दिया मैंने. मिसाल के तौर पे मैं रात को सोने के लिए लेट चुका हूँ अब मेरा फ़ोन जो है मैंने चार्ज पे लगा दिया दूर रखा हुआ है फ़ोन मैंने क्योंकि फ़ोन भी अगर आपने करीब रख के आप सो गए हैं फ़ोन तो वो भी एक प्रॉब्लम है कि अगर रात को किसी की कॉल आ गई या कोई भी सुबह सुबह समटाइम कंपनी की कॉल आ जाती है 555 का नंबर है या 45 कोई ऐसे एडवर्टाइजमेंट का नंबर है उससे सुबह सुबह 7 बजे कॉल आ गई. अब वो सुबह सुबह 7 बजे नींद ख़राब तो फ़ोन को भी थोड़ा दूर रखना पड़ता है रात के वक्त. अब मैं फ़ोन दूर रख चुका हूँ मुझे अलार्म सेट करना मैं भूल गया सुबह उठना भी है मैंने जल्दी. तो मैं फ़ौरन इसको बोल के ये 4 मिनट पूरे हो गए एग्जैक्टली अगर जो वीडियो देख रहे थे वो एग्जैक्टली 4 मिनट नोट करें ये बजना शुरू हो गया. हे गूगल स्टॉप. अच्छा तो तकरीबन 14-15 लोग दोबारा से ज्वाइन हो चुके हैं. भाई जान ये फेसबुक की नाहली का सबूत है. मैं लाइव कर रहा हूँ क्या कहते हैं अपने लैपटॉप से और मेरे लैपटॉप की स्क्रीन जैसे ही जो है वो हुई मतलब एक तो पहली बात तो उसको होना नहीं चाहिए स्क्रीन सेवर पर जाना नहीं चाहिए लेकिन जैसे ही स्क्रीन सेवर पर गई वो हो गया. अच्छा फिर अब मैं ढूंढ रहा हूँ कि यार दोबारा इसको मैं कैसे स्टार्ट करूँ. शुरू में भी थोड़ा लेट हो गया मैं स्टार्ट करने में उसको मैं ढूंढ रहा हूँ कि मैं स्टार्ट कहाँ से करूँ. और वॉइस की आदत हो गई ना असल में हर चीज़ बोल के करने की तो मुझे ऐसा मन कर रहा था कि मैं बोलूँ कि भाई फेसबुक स्टार्ट लाइव वीडियो जल्दी स्टार्ट करो लाइव वीडियो लेकिन वैसा कोई ऑप्शन अनफॉर्चुनेटली फेसबुक में मौजूद नहीं है. अच्छा तो हम ये बात कर रहे थे कि वॉइस एप्लीकेशन अगर हमारी ज़िंदगियों में आ जाए
तो हमारी जिंदगियों में बहुत आसानी पैदा हो सकती है। अच्छा, तो लेकिन अभी तक ये रेवोल्यूशन शायद उस तरह से आया नहीं है जिस तरह से आना चाहिए। ठीक है, हम अभी उस स्टेज में मौजूद हैं कि ये रेवोल्यूशन आने वाला है। अच्छा, तो कंप्यूटर साइंस में हमेशा कोई भी टेक्नोलॉजी आपने जब सीखनी है तो आपको कम से कम उस टेक्नोलॉजी के जो उरूज से 5 साल पहले उसको सीखना है। ठीक है, कि जब वो टेक्नोलॉजी आए तो आप उसके लिए इतने रेडी हों कि आप उसमें अच्छे पैसे कमा सकें। अच्छा, तो एक गोल्ड रश होने वाला है ये चैट बॉट्स का और वॉइस एप्लीकेशन का। अच्छा, उस गोल्ड रश में होगा क्या वो मैं आपको समझाता हूँ। अभी जितनी भी कंपनीज हैं, हर कंपनी को रिक्वायर्ड होता है एक अदद वेबसाइट। अच्छा, आज से कुछ अरसे पहले तक सिर्फ वेबसाइट से उनका काम चल जाता था, लेकिन अभी हम उस दौर में दाखिल हो चुके हैं कि अब किसी भी कंपनी के लिए सिर्फ वेबसाइट काफ़ी नहीं है। तो वेबसाइट के साथ साथ उनको क्या चाहिए होता है? उनको चाहिए होता है एक अदद मोबाइल ऐप। अच्छा, और मोबाइल ऐप किस में चाहिए होता है? एक अदद एंड्रॉयड की अलग और iOS की अलग। आईफोन वालों को भी तो देना है ना, और एंड्रॉयड वालों को भी देना है, तो दोनों की मोबाइल ऐप उनको चाहिए होती है। अब थोड़े ही दिन के बाद ये जो डिवाइसेज हमारे पास आ चुकी हैं, गूगल की, अलेक्सा की, और भी बहुत सारी, बिग्सबी वगैरह, लेकिन वो इतनी फेमस नहीं है। तो अलेक्सा जो है सबसे पहला इसमें प्लेयर है जो मार्केट में कूदा है, और नंबर 2 पे है गूगल असिस्टेंट। तो ये 2 मेजर प्लेयर हैं। अच्छा, अभी तो मार्केट में यही लोग हैं, लेकिन बहुत जल्दी इसमें बहुत सारे दूसरे प्लेयर आने वाले हैं। फेसबुक इस पर बहुत एक्सटेंसिवली काम कर रहा है कि फेसबुक अपने चैटबॉट की टेक्नोलॉजी इंट्रोड्यूस करवा दें। अच्छा, उसके अलावा बहुत सारी ओपन कम्युनिटीज़ हैं जो इस पर काम कर रही हैं। अलेक्सा ने भी बहुत इस पर काम किया हुआ है कि आप इसको अपनी IoT की डिवाइस बिल्ड करके उस पर भी बना सकते हैं। मतलब ज़रूरी नहीं है कि आप अलेक्सा जाके ख़रीदें अलेक्सा वालों से। आपके पास अगर रसबरी पाई की डिवाइस मौजूद है तो उसमें, उससे भी आप अलेक्सा बिल्ड कर सकते हैं। एक दोस्त कह रहे हैं कि मुजफ्फर हुसैन काइंडली सेट अलार्म थ्रू अलेक्सा। जी, ये तो मैंने अभी अभी करके दिखा भी दिया इससे पहले वाले सेशन में। वो गलत अनफॉर्चुनेटली वो एंड हो गया था सेशन गलती से। अच्छा, फैजान मेमन ये कह रहे हैं कि इज़ दिस अ फ्री कोर्स? नहीं दोस्त, ये फ्री कोर्स नहीं है। असल में फ्री में देर इज़ नो फ्री लंच। ठीक है, जो लोग फ्री कोर्सेज दे भी रहे हैं आपको, वो आपसे कुछ ना कुछ ले रहे होते हैं उसके बदले में। ठीक है, देर इज़ नो फ्री लंच। तो फ्री कोई भी चीज़ नहीं है। और आप ये कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि एक बंदा क्लेम कर रहा हो कि आप इससे लाखों डॉलर कमा सकते हैं फ्यूचर में, और वो आपको फ्री में वो चीज़ पढ़ा रहा हो? तो अल्हम्दुलिल्लाह, मैं तो इस टेक्नोलॉजी पे पिछले 5 साल से, 2016 से काउंट कर लें, अब 2016 पे स्टार्ट किया था मैंने, बल्कि 2015 के ही लास्ट में ही स्टार्ट कर दिया था। तो मुझे काफ़ी टाइम हो गया और मैं तो अल्हम्दुलिल्लाह कमा रहा हूँ। आप मेरे अपवर्क की प्रोफाइल पे जाके देखें, वहाँ पे आपको समझ में आ जाएगा कि मैंने अभी तक जो भी जॉब्स की हैं वो सारी चैटबॉट से ही रिलेटेड है। अलेक्सा की भी हैं उसमें 1-2, तो चैटबॉट से ही रिलेटेड है। तो मैं चैटबॉट की फील्ड में ही मौजूद हूँ, तो और मैं उससे पैसे भी कमा रहा हूँ। तो मैं आपको फ्री में तो नहीं सिखाऊंगा, क्यों सिखाऊं भाई, मैं फारिग हूँ। तो फ्री, देयर इज़ नो फ्री लंच इन दिस वर्ल्ड। कहीं पे भी आप कुछ, जो भी फ्री मिल रहा है ना, उसके अगेंस्ट आपको कुछ ना कुछ आप पे कर रहे होते हैं। तो अच्छा, दूसरा ये कि यार, आप अगर अपनी ज़िंदगी से सीरियस हैं, आप अगर चाहते हैं कि मैं बड़े पैसे कमाऊं, तो यार थोड़े पैसे तो लगाने पड़ेंगे ना आपको उसके लिए। ठीक है, क्योंकि टाइम, हर किसी का टाइम कीमती है, चाहे वो मैं हूँ या कोई भी काबिल बंदा हो, उसका टाइम कीमती होता है। अच्छा, और अगर किसी का टाइम बिल्कुल ही फ्री है तो इसका मतलब है वो, उसकी बंदे की कोई वैल्यू नहीं है, तो वो कोर्स आपको वैसे भी नहीं लेना चाहिए, क्योंकि अपना टाइम उसका किसी काम का नहीं है और वो आपके भी टाइम को ख़राब करेगा। तो इस वजह से भाई ये कोर्स पेड है, और हमारी पाकिस्तानी आवाम ज़्यादातर, क्योंकि पाकिस्तानी लोग इसमें कनेक्ट होने वाले हैं। अच्छा, बाय द वे, इसमें सिर्फ पाकिस्तानियों की बात नहीं है, दुनिया में कहीं से भी आप इस कोर्स से कनेक्ट हो सकते हैं। क्या कहते हैं, आपको लेकिन उर्दू आनी चाहिए या हिंदी, जो भी, उर्दू या हिंदी आपको आनी चाहिए, क्योंकि ये कोर्स उर्दू में होने वाला है, उर्दू हिंदी में, हम अंग्रेज़ी में ये कोर्स नहीं कर रहे हैं। तो अगर आपको उर्दू समझ आती है, आप ये लाइव देख रहे हैं, दुनिया के किसी भी कोने में मौजूद हैं आप, वो व्हाट्सएप का जो ग्रुप है वो आप पूछ लें कमेंट में, उसमें आप आ जाएं व्हाट्सएप के ग्रुप में, और या मेरा पर्सनल, आप इसमें नंबर लिखा हुआ होगा फेसबुक के पेज पे, आप मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कर दें कि भाई मैं फलां कंट्री में हूँ और मुझे इसमें इनरोल होना है। हमारे पास बाय द वे डिफरेंट कंट्रीज से लोग इसमें इनरोल हैं अभी ऑलरेडी। तो आपके लिए मैं दूसरे तरीके बता दूंगा फीस पे करने के, आप पेनियर के थ्रू आप कर सकते हैं, या आप पेपाल के थ्रू, या आप अपने
वंस अगेन. अच्छा भाई, तो मेरे साथ दोबारा से वही हुआ कि स्क्रीन सेवर आया इसका और लाइव सेशन मेरा जो है ना उड़ गया. अब सबसे पहले तो मैंने जाके ये किया दोबारा लाइव स्टार्ट करने से पहले कि स्क्रीन सेवर को मैंने डिसेबल किया सबसे पहले तो जाके, और उसके बाद जो है ना मैंने दोबारा से स्टार्ट कर दिया अपने लाइव सेशन को. अच्छा, तो काइंडली सब लोग दोबारा से जुड़ जाएं इस लाइव सेशन से. लोग जुड़ना शुरू हो गए. काफ़ी इनकन्वीनियंस रहा है फेसबुक लाइव का सेशन आज का. अच्छा, तो मैं 6 लोगों को देख रहा हूँ कि जुड़ चुके हैं 6 लोग. अच्छा, तो ये बात तो हो गई जनाब कि हमारा ये कोर्स जो है वो पेड है. अच्छा, उसकी फीसेज वगैरह क्या है वो यहाँ पे डिस्कस करना बेवकूफ़ी की बात है. वो आप अभी मैं ये लाइव ख़त्म करने के बाद लिंक लगा दूंगा इसी पोस्ट में कमेंट में. ये तीन, क्योंकि 3 हिस्सों में हो गई हमारी लाइव, तो तीनों में मैं वो कमेंट लग कर दूंगा लिंक व्हाट्सएप ग्रुप का. तो आप उस व्हाट्सएप ग्रुप में शामिल हो जाएं जहाँ पे सारे लोग डिस्कशन कर रहे हैं आपस में. अच्छा, और वहीं व्हाट्सएप ग्रुप की डिस्क्रिप्शन में ना सारी डिटेल भी मौजूद है कि ये किस दिन होगा, किस वक्त होगा, क्या होगा, ठीक है. और ये फीस वगैरह क्या है, कैसे पे करनी है, अगर किसी को कोई प्रॉब्लम है पे करने में तो वो वहीं ग्रुप में ही पूछ ले, क्योंकि यहाँ कमेंट्स में बिला वजह फ़ायदा नहीं है, क्योंकि सही तरह फॉलो अप नहीं हो पाता. वहाँ पे ग्रुप में एडमिन मौजूद हैं जो आपको रिप्लाई कर देंगे. मैं खुद भी पर्सनली मौजूद हूँ, वो मैं भी आपको बता दूंगा कि क्या होता है. अच्छा, तो हम क्या कर रहे थे. अच्छा, हम बात कर रहे थे कि अलेक्सा की जो डिवाइस है वो आपकी ज़िंदगियों में कैसे आसानी पैदा करेगी. एक तो हम ये बात कर रहे थे. हमने ये बात कर ली कि अलेक्सा को ऑलरेडी 40 मिलियन लोग इस्तेमाल कर रहे हैं सिर्फ यूनाइटेड स्टेट्स में अकेले. हम जॉब्स की बात कर चुके हैं कि जॉब्स हैं. अच्छा, हम ये बात कर चुके हैं कि भाई वॉइस कंप्यूटिंग आने वाली है, ये हदीस से भी इसकी प्रिडिक्शन है. अच्छा, अब हम बात करते हैं बिल्डिंग ब्लॉक्स की, कि यार बिल्डिंग ब्लॉक्स इसके क्या हैं. ये सिर्फ अलेक्सा की बात नहीं हो रही, ये किसी भी चैट बॉट के बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक्स यही हैं. अच्छा, क्या है वो. इंटेंट नंबर एक. ये वो गूगल असिस्टेंट का हो या अलेक्सा का हो या कोई भी दूसरा चैट बॉट हो, उससे आपने बोला कि यार गिव मी वाटर, ये बोला आपने. अच्छा, तो वो उसको ये बात कैसे समझ में आएगी कि आपने वाटर बोला है. तो उसके लिए हम करते ये हैं कि हम कुछ एग्जाम्पल्स उसको दे देते हैं पहले से, कि वाटर मांगने का जो अलग अलग जुमलों में मुख्तलिफ जुमले आप कह सकते हैं एक ही काम को करने के लिए, तो वो सारे जुमले हम उसको एग्जाम्पल में दे देते हैं. अच्छा, सारे का मतलब है कि 4-5, ठीक है, 4-5 देते हैं, बाकी वो खुद मैनेज कर लेता है क्योंकि एआई मौजूद है, एआई इन्वॉल्व है पूरे गेम के अंदर. अच्छा, तो अब आप जिस भी तरह से उसको बोलेंगे ना कि गिव मी वाटर, उसको समझ में आएगा चैटबॉट को. अच्छा, तो दिस इज कॉल्ड इंटेंशन. तो इंटेंट हो गया, ये तो पहला हमारा बिल्डिंग ब्लॉक हो गया बेसिक. अच्छा, अब दूसरा बिल्डिंग ब्लॉक जो है वो क्या है, एंटिटी. अच्छा, इंटेंट एक नहीं होगा हमारे पास, इंटेंट हमारे पास मल्टीपल होंगे. जाहिर है, अगर हम एक चैट बॉट बना रहे हैं जो पिज़्ज़ा ऑर्डर करता है, ठीक है, कोई पिज़्ज़ा की शॉप है, उसके लिए मैंने चैट बॉट बना दिया कि पहले भाई साहब अलेक्सा, पहले आप पिज़्ज़ा ऑर्डर करने जाते थे उस पिज़्ज़ा की वेबसाइट पे, वहाँ जाके आप ऑर्डर करते थे, ठीक है, फिर बाद में उस पिज़्ज़ा शॉप ने, पिज़्ज़ा हट ने या कोई भी आप एग्जाम्पल ले लें, उसने अपनी मोबाइल ऐप बना दी, वहाँ पर जाके आप पिज़्ज़ा ऑर्डर करने लगे. अच्छा, फिर अब हमने एक चैट बॉट बना दिया जिस पे आप जाके पिज़्ज़ा ऑर्डर करेंगे. अच्छा, इस कोर्स के दौरान हम इस तरह के 3 रियल लाइफ चैटबॉट भी आपको बनाकर दिखाएंगे इस कोर्स में, जो रियल लाइफ होंगे, जैसे कि वेदर असिस्टेंट हम एक बना लेंगे, ठीक है, इसी तरीके से एक पिज़्ज़ा ऑर्डर वाला ही बना लेंगे, ठीक है, या एक हम होटल बुकिंग बना लेंगे कि यार होटल बुक करने के लिए चैटबॉट हो, वो आपको रिस्पॉन्ड करे, आप चैटबॉट से बात करें और बातों बातों में आपका होटल रिजर्व हो जाए, ठीक है जी. अच्छा, तो हम सेकंड वाले पे आ जाते हैं, एंटिटीज़. एंटिटीज़ क्या होती हैं, कि यार आपने जब बोला कि यार गिव मी वाटर,
तो आपके चैट बॉट को कुछ जाहिर है पैरामीटर्स आपसे लेने पड़ेंगे कि यार पानी कैसा, ठंडा गर्म, छोटा गिलास बड़ा गिलास, या छोटी बोतल बड़ी बोतल, कौन सा कैसा पानी, ठीक है ना। तो ये एंटिटीज़ हैं। अच्छा, मिसाल के तौर पे मैंने चैट बॉट के अंदर ये फीड कर दिया कि मेरे पास जो साइज़ है पानी का वो दो है, एक स्मॉल है एक लार्ज है, ठीक है, एक 30 रुपये वाली बोतल है, एक 60 रुपये वाली बोतल है, ठीक है, एक स्मॉल एक लार्ज। तो अब जब आप बोलेंगे उसको कि गिव मी वाटर, तो वो पलट के आपसे पूछे कि यार आपको कौन सा चाहिए, हमारे पास दो होते हैं, स्मॉल है और एक लार्ज है। तो बंदे ने कहा लार्ज, तो ये एक एंटिटी पकड़ में आ गई, ठीक है जी। अच्छा, फिर दूसरा सवाल उसने पूछा कि यार आपको पानी कैसा चाहिए, रूम टेम्परेचर पे चाहिए या ठंडा चाहिए, तो कोल्ड वाटर या नॉर्मल वाटर, रूम टेम्परेचर वाटर। बंदे ने कहा यार ठंडा चाहिए। तो अब ये बात समझ में आ गई चैट बॉट के, ये दूसरी एंटिटी पकड़ में आ गई। तो दिस इज कॉल्ड एंटिटीज। तो जब भी चैट बॉट और ह्यूमन के दरमियान कन्वर्जेशन होगी, सबसे पहले इंटेंट पकड़ में आएगा, उसके बाद वो कुछ एंटिटीज़ के लिए आपसे पूछेगा। मिसाल के तौर पे अगर मैं पिज़्ज़ा ऑर्डर कर रहा हूँ, तो पिज़्ज़ा ऑर्डर के अंदर ना मुख्तलिफ इंटेंशन हो सकती हैं। पिज़्ज़ा ऑर्डर की अगर चैट बॉट से मैं बात कर रहा हूँ, तो एक तो मेरा इंटेंशन हो सकता है कि मैं ऑर्डर करना चाह रहा हूँ, ठीक है, आई एम हंग्री, तो इसका मतलब है मैं हंग्री हूँ, मैं पिज़्ज़ा ऑर्डर करना चाह रहा हूँ। या एक हो सकता है कि चेक माई स्टेटस, कि भाई वेयर इज़ माई पिज़्ज़ा। अगर मैं कह रहा हूँ वेयर इज़ माई पिज़्ज़ा, तो इसका मतलब है कि मैं ऑर्डर का स्टेटस चेक करना चाह रहा हूँ। तो ये दो इंटेंशन हो गई। इसी तरह मैं कोई कंप्लेन करना चाह रहा हूँ, मैं बोलूँ आई हैव अ कंप्लेन, आई वॉन्ट टू गिव सम फीडबैक, ठीक है, तो इसका मतलब है मैं कंप्लेन करना चाह रहा हूँ। तो ये तीन इंटेंशन मैंने आपसे डिस्कस की कि तीन इंटेंशन इसमें हो सकती है पॉसिबल, जितने आप चाहें मजीद उसमें बना सकते हैं, कोई ऐसे मसले की बात नहीं है। अच्छा, फिर इसमें एंटिटीज़ क्या होंगी। अब बंदे ने बोला यार आई हैव अ, या मिसाल के तौर पे व्हाट इज़ द स्टेटस ऑफ माय ऑर्डर, ये बंदे ने बोला, तो एक इंटेंशन आ गई। अब उसको वो कैसे उसका ऑर्डर का स्टेटस बताएगा, वो कहेगा यार प्लीज़ टेल मी योर ऑर्डर नंबर, ठीक है, ऑर्डर नंबर आप बताएं, डेली बेसिस पे ऑर्डर नंबर वो एक्साइट कर रहे होते हैं। तो बंदे ने बोला यार मेरा ऑर्डर नंबर है 314, मिसाल के तौर पे। तो वो 314 एक एंटिटी आ गई, उसको पता चल गया कि भाई इसका ऑर्डर नंबर क्या था, 314। तो उसने फ़ौरन बता दिया कि यार ऑर्डर नंबर 314 जो है वो ऑन द वे है, आपके पास 10 मिनट में पहुंच जाएगा। अच्छा, तो इसी तरीके से अच्छा जी, मैं ज़रा कमेंट भी देखते जा रहा हूँ। अच्छा जी, तो ये तो बात हो गई तकरीबन। अब तीसरे बिल्डिंग ब्लॉक, तीसरा बिल्डिंग ब्लॉक है फुलफिलमेंट। अब फुलफिलमेंट क्या चीज़ है, फुलफिलमेंट होगा एक छोटा सा सर्वर होगा, ठीक है जी, एक छोटा सा कोड होगा आपका, जावास्क्रिप्ट की एक लॉजिक होगी छोटी सी। वो लॉजिक ये डिसाइड करेगी कि ये जो बात पूछी गई है इसका आंसर कैसे देना है। मिसाल के तौर पे हम अपने शुरू वाले एग्जांपल पे आते हैं, बंदे ने कहा गिव मी वाटर, मैंने कहा भाई ठंडा चाहिए गर्म, उसने कहा ठंडा चाहिए, मैंने कहा छोटा वाला पानी चाहिए बड़ा वाला, तो उसने कहा भाई बड़ा वाला पानी चाहिए। ये दो बातें। अब ये पूरा ऑब्जेक्ट उठ के जाएगा मेरे पास मेरे जावास्क्रिप्ट के कोड में, ठीक है जी। अब मैं जावास्क्रिप्ट के कोड से अपनी इन्वेंट्री चेक कर सकता हूँ कि यार मेरे पास पानी है या नहीं है। मैं ये देख सकता हूँ कि यार जो भी मुझे चीज़ें चेक करनी है कुछ, वो मैं चेक कर सकता हूँ। वहाँ पे मैं रिस्पॉन्स बिल्ड करूँगा, वहाँ पे मैं क्या करूँगा, वहाँ पे मैं रिस्पॉन्स बिल्ड करूँगा, ठीक है, और वो रिस्पॉन्स मैं भेजूँगा यूज़र को वापस, ठीक है। और भी बहुत सारे डिसीजंस उसमें होते हैं, ये तो मैंने बिल्कुल मोटा मोटा आपको बताया है। तो हमारा जो पूरा कोर्स चलेगा जो अलेक्सा का, वो इन तीन बिल्डिंग ब्लॉक्स के अराउंड घूम रहा होगा, ठीक है। ये तीन चीज़ें अगर आप सीख गए, अच्छा हैं, मार्केट में मौजूद हैं, मोर और लेस उसके जो बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं वो ये तीन चीज़ें सब में कॉमन है। तो आप अगर सिर्फ अलेक्सा सीख गए, तो आप जितने भी चैट बॉट हैं वो उसके बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक तो आपको आ जाएंगे। अच्छा, तो कल को जब ये टेक्नोलॉजी मैंडेटरी होगी, कल को जब वॉइस एप्लीकेशन ऊपर जाएगी, और जो कि जा भी रही है वक्त के साथ साथ, आप देखें आप सब लोगों के मोबाइल फ़ोन में इस वक्त गूगल असिस्टेंट मौजूद है, ठीक है। अलेक्सा की भी आप ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। इस कोर्स में इनरोल होने के लिए आपको अलेक्सा की डिवाइस होना आपके पास ज़रूरी नहीं है, अलेक्सा की मोबाइल ऐप है,
वो बाई द वे पाकिस्तान में अवेलेबल नहीं है, तो आपको वीपीएन वगैरह लगा के ना यूएसए का जो स्टोर है एंड्रॉयड का, वहाँ से आपको डाउनलोड करना होगा, या एपीके मिरर वगैरह जो थर्ड पार्टी है ना, इस तरह जो थर्ड पार्टी स्टोर है वहाँ से भी आप उसको डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। जैसे एसी मार्केट करके एक है, वो प्ले स्टोर की तरह की चीज़ है, तो इस तरह की जगहों से आप डाउनलोड कर सकते हैं। बट आपको प्ले स्टोर पे, अगर आप एंड्रॉयड के फ़ोन में, तो आपको प्ले स्टोर पे वो डायरेक्टली विजिबल नहीं होगा, क्योंकि वो पाकिस्तान में उन्होंने नहीं रखा हुआ है, तो यूएस के आपको स्टोर पे किसी तरह मूव करना पड़ेगा। अच्छा, अगर आप आईफोन के यूज़र हैं तो आपको जाके ना अपना रीजन चेंज करना पड़ेगा। जो आईफोन में ऑप्शन होता है कि आप अपने स्टोर में जो ऐप स्टोर है उसका रीजन चेंज कर लें, यूएसए कर लें, ठीक है। तो आप रीजन चेंज करेंगे तो आपको यूएस वाली सारी ऐप दिखना शुरू हो जाएगी। तो आप यूट्यूब से सिंपली देख सकते हैं कि कैसे रीजन चेंज होता है, अगर आपको पता नहीं है तो। तो आपको मोबाइल ऐप जस्ट इंस्टॉल करनी है अलेक्सा की, एंड यू आर रेडी टू गो। आपको कोई डिवाइस होना आपके पास ज़रूरी नहीं है, अगर हो तो ज़्यादा अच्छी बात है, लेकिन होना ज़रूरी नहीं है आपके पास। अच्छा, तो मेरा ख्याल है हमने बातें काफ़ी कर ली हैं। अच्छा, अब आपके हम सवालात लेते हैं, जो भी आपके जहन में सवालात हैं वो पूछ लें आप, ठीक है। अच्छा, उसके बाद फिर हम क्या करेंगे, उसके बाद जो है ना, हम एक छोटा सा हेलो वर्ल्ड बनाएंगे। अच्छा, तो अच्छा, ये स्क्रीन पे मेरा फ़ोन नंबर भी आ रहा है और सारी डिटेल आ रही है, जो मोस्ट कॉमन डिटेल है जो आपको चाहिए होती है किसी बंदे से कांटेक्ट करने के लिए, वो सारी ये स्क्रीन पे मैंने लिख दी है। अच्छा, तो इसका आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, और इसको आप बाद में, क्योंकि ये लाइव वीडियो तो यहीं पे रहेगी, तो आप बाद में भी इस पे आके देख सकते हैं कि ये क्या चीज़ है। अच्छा, तो अगर किसी के भी जहन में कोई सवाल है तो वो प्लीज़ कमेंट में ना अपना सवाल पूछ लें जल्दी जल्दी, हम जल्दी से वो सवालात सारे कवर करते हैं, और सवालात कवर करने के बाद हम जल्दी से ना अलेक्सा का आज हेलो वर्ल्ड एक बनाकर जाएंगे इंशाल्लाह यहाँ से। अच्छा जी, फैज़ान मेमन ये पूछ रहे हैं कि व्हाट इज़ द प्रीरिक्विज़िट ऑफ दिस कोर्स। अच्छा, इस कोर्स का जो प्रीरिक्विज़िट है ना, वो ये है कि बेसिक जावास्क्रिप्ट आपको आती हो, ठीक है। आपको ये पता हो कि यार फॉर वेरिएबल्स क्या होते हैं, ठीक है, ये चीज़ें आपको पता हो तो आप इस कोर्स में इनरोल कर सकते हैं, राइट। और अगर आपको एडवांस जावास्क्रिप्ट आती हो तो फिर तो आप ही के लिए बनाई है कोर्स। लेकिन बेसिक प्रीरिक्विज़िट जो है ना, बेसिक जावास्क्रिप्ट है, कोई बहुत ज़्यादा एडवांस किस्म की जावास्क्रिप्ट रिक्वायर्ड नहीं है इसके अंदर, क्योंकि यानी आधा पार्ट जो है इसका वो तो यूज़र इंटरफेस के बेस पे है, ठीक है। आधा पार्ट तो उसमें प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कोई है ही नहीं, आधा पार्ट जो है वो जावास्क्रिप्ट का। अभी हम इंशाल्लाह हेलो वर्ल्ड बनाएंगे तो आपको पता चल जाएगा कि सिर्फ 30% जो है ना लास्ट वाला, वो जावास्क्रिप्ट उसमें आपको चाहिए होती है, अदरवाइज इसमें प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कोई चाहिए नहीं होती आपको ना। अच्छा, तो मेरा ख्याल है किसी का कोई सवाल नहीं है। अच्छा जी, सलील कोई सवाल है आपका इससे रिलेटेड, जो मैंने अभी बातें की हैं सारी। अच्छा जी, तो अब हम जो है चलते हैं अपने पास और अलेक्सा का एक हेलो वर्ल्ड प्रोग्राम हम बनाते हैं। तो मैंने गूगल पे क्या लिखना है, मैंने गूगल पे लिखना है अलेक्सा स्किल किट और एंटर कर देना है, ठीक है जी। बहुत ही सिंपल है, बहुत ही आसान है, कोई मुश्किल की बात नहीं है। जो लोग बिल्कुल पहली दफ़ा देख रहे हैं वो भी अगर मेरे साथ साथ करते जाएंगे तो वो भी कर लेंगे, ठीक है। अभी बल्कि करने की ज़रूरत नहीं है, ये लाइव वीडियो यहीं पे मौजूद रहेगी, अभी सिर्फ आप देखें और बाद में आप इसको खुद से करने की भी कोशिश कीजिएगा। अच्छा, मैंने अलेक्सा स्किल किट लिखा तो एक मेरे पास डैशबोर्ड खुल गया इस तरह का। अच्छा, इस डैशबोर्ड के ऊपर मेरे पास छोटा सा लिखा हुआ है कॉन्सोल। अच्छा, कॉन्सोल से पहले जो ये पेज खुला है, ये इनकी मार्केटिंग का पेज है, इसमें इन्होंने लिखा हुआ है व्हाट इज़ अलेक्सा, ठीक है, व्हाट आर अलेक्सा स्किल्स, ये क्या है, क्यों है, क्या काम करती है, किस जगह पे ये इस्तेमाल हो रही है। जो मैंने ज़्यादातर बातें की हैं वो उनमें से वही बातें मज़ीद यहाँ पे बहुत ज़्यादा डिटेल में इन्होंने किया हुआ है, ठीक है, उन्हीं बातों को बहुत ज़्यादा डिटेल में इन्होंने किया हुआ है।
अपने मुंह को थोड़ा सा छोटा करके और यहीं पे साइड में एडजस्ट करना चाह रहा हूँ, ताकि ये यहीं पे आपको ना मेरी शक्ल भी दिखती है। अच्छा जी, तो ये जनाब मेरा जो है ना चेहरा भी आ गया यहीं पे कोने में, और यहीं पे आपको मेरी स्क्रीन भी नज़र आ गई। अच्छा, व्हाट यू कैन बिल्ड, आप अलेक्सा स्किल किट से क्या क्या बना सकते हैं। एक तो मैंने आपको एग्जांपल दी कि यार आप किसी भी कंपनी के लिए जो उनकी एग्जिस्टिंग जो भी ऐप है, चाहे वो मोबाइल ऐप हो, चाहे वो वेब एप्लीकेशन हो, वेबसाइट हो, जहाँ पे लोग ऑर्डर करते हो, उसको आप रीबिल्ड कर सकते हैं वॉइस एप्लीकेशन पे अलेक्सा पे। ठीक है जी, यहाँ पे भी इन्होंने कुछ एग्जांपल्स दी हुई हैं कि आप क्या क्या बना सकते हैं, जिसमें आप गेम्स बना सकते हैं वॉइस पे जो गेम चलते हैं। ठीक है, बल्कि इसका मैं आपको एक डेमो भी देता हूँ, मैं इसके साथ एक गेम खेलता हूँ। हे गूगल, प्ले अ गेम विथ मी। ऑलराइट, आई हैव अ फ्यू ऑप्शंस फॉर दैट। आर यू फीलिंग लकी? सम क्विज, एनिमल डिटेक्टिव एंड मोर। व्हिच वन वुड यू लाइक टू ट्राई? एनिमल डिटेक्टिव। Okay, here's Animal Detective. Welcome to Animal Detective. I'll think of an animal and give you clues, one by one. You need to guess what animal I am thinking about, in as few clues as possible. Give me a second to come up with an animal. Okay. Okay, I am ready. Are you ready to play? Yes, I'm ready. It is covered in gray fur. Gray fur. It is cat. Are you ready to guess the animal? Yes, I'm ready. Are you ready to guess the animal? Just answer yes or no. Yes. Excellent. Please say the animal's name. Cat. No. Oh. Sorry, I was thinking of a koala. Koala. Another okay. game? ओके गूगल स्टॉप। तो ये इन्होंने गेम बनाया, लेट्स प्ले अनदर टाइम। ये इन्होंने किसी ने गेम बना के डाला हुआ है, इस तरह के गेम्स आप भी बना सकते हैं। बहुत ही सिंपल गेम है, बोल के ये हो रहा है। हम लोग अक्सर इस तरह के गेम्स खेल रहे होते हैं इसमें बेड पे लेटे लेटे रात को सोते वक्त, और इससे जो है ना म्यूजिक वाला भी गेम है इसमें, बहुत ज़बरदस्त गेम है वो। तो इसमें आप फूड ऑर्डरिंग स्किल जो मैं जिक्र कर चुका हूँ पहले, गेम्स, उसके अलावा स्मार्ट होम की स्किल्स, ठीक है, कनेक्टेड व्हीकल, क्योंकि ये गाड़ियों में भी अब आ रहा है ना, गाड़ियों में भी जो डैशबोर्ड लगा हुआ होता है उसमें भी अलेक्सा मौजूद हो सकता है। ठीक है, गूगल असिस्टेंट तो उसमें बहुत टाइम से ही आ रहा है, लेकिन अब अलेक्सा भी उसमें आ रहा है। अच्छा, तो हम इस कोर्स में जो कवर करेंगे वो कस्टम स्किल्स करेंगे। कस्टम स्किल्स में क्या है कि आप कुछ भी बना सकते हैं, और हमारा मेन फोकस ये होगा कि एग्जिस्टिंग जो मोबाइल ऐप्स और वेब एप्लीकेशंस हैं उनको कन्वर्ट कैसे किया जाए। ठीक है, जिसमें फूड ऑर्डरिंग भी हम शामिल होगा हमारा। तो कस्टम स्किल हम यहाँ पे कवर करेंगे, जिसमें हमारा मेन जो टारगेट होगा वो ये होगा कि एग्जिस्टिंग जो भी पहले से बनी हुई ऐप्स हैं उनको ट्रांसफ़र किया जाए, क्योंकि सबसे बड़ा बूम उसी का आने वाला है कि जितनी भी बनी हुई कंपनीज़ हैं, लाखों करोड़ों की तादाद में ऐसी कंपनीज़ मौजूद हैं जो जिनका मेन कस्टमर का ना जो गेट है बिजनेस के अंदर दाखिल होने का, वो उनकी वेबसाइट या उनका मोबाइल ऐप है। ठीक है, तो उन सबको वॉइस एप्लीकेशन की ज़रूरत पड़ने वाली है। अच्छा, तो ये काफ़ी सारा इन्होंने दिया हुआ है, एक लास्ट में यहाँ पे वीडियो भी है, ये वीडियो भी बड़ी अच्छी सी वीडियो है, उसको भी देखना चाहिए आपको। I put a dot in my bathroom. Then next thing you know, I'm asking it, you know, just the simple stuff. What time is it? What's the weather? I'm going to this city. And it just started to get so comfortable that you started wanting more and more and more from it. And you realize that a voice interface isn't something that's foreign or new to be adopted. It's just a much more efficient, time-saving opportunity. And once that sunk in, all the doors opened for me and it became obvious. My son's name is Jacob, and my daughters are Alyssa and Alexis. And so now... तो ये एक साहब यहाँ पे मौजूद हैं जो अपने एक्सपीरियंसेस शेयर कर रहे हैं कि अलेक्सा इन्होंने कैसे स्टार्ट किया, और छोटी छोटी चीज़ें ये शुरू में करते थे कि यार सेट अलार्म और छोटी मोटी इस तरह की नॉलेज वाली चीज़ें पूछ के, और फिर इन्होंने अपने बेटे के बारे में बताया कि भाई मेरा बेटा भी इससे इंस्पायर है। तो ये वीडियो भी देखिएगा आप, इन्होंने और भी वीडियोज़ इस तरह की डाली हुई हैं। अच्छा जी,
तो मैंने कौन सा बटन प्रेस कर दिया, मैंने कॉन्सोल का बटन प्रेस कर दिया उस पेज के ऊपर, क्योंकि वो एडवर्टाइजिंग में अब इंटरेस्टेड नहीं हूँ मैं, उतनी देख ली मैंने एडवर्टाइजिंग जितनी देखनी थी। अब मैं चाह रहा हूँ कि मैं अलेक्सा की एक ऐप बिल्ड करूँ, खुद से बिल्ड करूँ। अच्छा, तो मैंने यहाँ पे मेरे पास पहले से ना कुछ स्किल्स क्रिएट हुई भी आ रही है, ठीक है, क्योंकि मैं ऑलरेडी बहुत सारी क्लासेस में पढ़ा रहा हूँ जो इसी से रिलेटेड है, तो उसके लिए भी बना हुआ है कुछ क्या कहते हैं, मैंने अपनी प्रैक्टिस के लिए भी बनाया हुआ है, ठीक है जी। और कुछ इसमें से क्लाइंट्स के भी हैं लेकिन वो यहाँ नज़र नहीं आ रहे होंगे क्योंकि उनके लिए मैंने दूसरा अकाउंट बनाया हुआ है। अच्छा, क्रिएट स्किल का बटन मैंने प्रेस कर दिया कि मैं एक नई स्किल क्रिएट करना चाह रहा हूँ। मैंने कहा कि अलेक्सा डेमो क्लास, ओके, और नीचे की कोई चीज़ मुझे चेंज करने की ज़रूरत नहीं है, ऑलरेडी कस्टम सेलेक्टेड है, ठीक है, और नॉट जे एस पे मैं बनाना चाह रहा हूँ तो वो भी सेलेक्टेड है मेरे पास, यानी जो उसका कोड होगा वो जावास्क्रिप्ट में होगा। अच्छा जी, अब यहाँ पे इन्होंने ना कुछ पहले से टेम्पलेट्स बनाकर दिए हुए हैं, ठीक है, जैसे वेदर बॉर्ड स्किल, पिज़्ज़ा ऑर्डरिंग एग्जांपल, ये इस तरह के इन्होंने पहले से टेम्पलेट्स बनाए हुए हैं, बट हम इसको उन टेम्पलेट्स को इस्तेमाल नहीं करेंगे, हम फ्रॉम स्क्रैच करते हैं और हम एक छोटा सा स्किल बनाते हैं, ठीक है, जिससे मैं अपने बारे में बनाता हूँ वो स्किल, राइट, अपने बारे में बनाता हूँ कि मैं उससे कोई भी सवाल पूछूँ तो वो मुझे उसका जवाब दे। मिसाल के तौर पर मैं पूछूँ कि यार व्हाट इज़ योर नेम, तो वो बताए कि यार मेरा नाम इंजमाम है। फिर उससे मैं पूछूं कि व्हाट इज़ योर वर्किंग एक्सपीरियंस, तो वो मुझे पलट के बताए कि अच्छा यार इतने ईयर मेरा वर्किंग एक्सपीरियंस है। फिर मैं उससे पूछूं कि यार आप कहाँ रहते हो, तो वो बोले कि यार कराची में रहता हूँ, ठीक है। तो 3, 4, 5 हम इस तरह के छोटे छोटे सवालात उसमें ऐड करते हैं जिसका उससे हम आंसर लेते हैं, ठीक है। तो फ्रॉम स्क्रैच पे सेलेक्ट करके मैंने कंटिन्यू विद टेम्पलेट का बटन प्रेस कर दिया। ये थोड़ा सा टाइम लेगा इसको बनाने में। अच्छा, जितनी देर में ये बन रहा है उतनी देर में मैं ख्वातीन से मुखातिब होना चाहता हूँ। जो भी फीमेल्स इस वीडियो को देख रही हैं या बाद में देखेंगी, देखें जी, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट एक ऐसी फील्ड है जिसमें आप घर में बैठे बैठे, मैं इस वक्त अपने कमरे में बैठा हुआ हूँ, अपने घर में बैठा हुआ हूँ, मैं यहीं पे बैठ के फ्रीलांसिंग कर रहा हूँ, कहीं मुझे जाने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो ये ख़वातीन के लिए बहुत ज़बरदस्त फील्ड है, बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है। और अच्छी बात ये हुई है कोविड के बाद, कोविड तो वैसे अच्छी बात नहीं थी लेकिन कोविड के बाद ये अच्छी बात हुई है कि जितनी भी जॉब्स थी, इवन लड़कों की भी जो जॉब्स थी, वो भी सारी रिमोट हो चुकी है, और जितनी भी कंपनी थी वो सारी कंपनी इस चीज़ के लिए रेडी हो चुकी हैं कि वो रिमोटली अपने बंदों से काम करवाए, राइट। तो सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट जो है, मैं कोविड से पहले भी रिमोटली कर रहा होता था क्योंकि फ्रीलांसिंग तो होती रिमोटली, घर पे बैठ के होती है, तो आपको कहीं बाहर जाने की ज़रूरत नहीं है, सबसे बड़ी बात, क्योंकि ख़वातीन को सबसे ज़्यादा ट्रैवल में प्रॉब्लम्स होती हैं, उनको बस पे सफ़र करना पड़ता है, क्योंकि ज़ाहिर है अपनी गाड़ी हर बंदा अफोर्ड नहीं कर सकता, रक्षा भी अफोर्ड नहीं कर सकता हर बंदा, क्योंकि या तो चिंची या तो बस, ये दो ऑप्शन होते हैं जो सबसे चीप हैं। तो फिर उसके लिए खड़े रहना पड़ता है, इंतज़ार करना पड़ता है, कभी ऊपर नीचे हो गया टाइम तो बस नहीं मिलती, बहुत प्रॉब्लम होती है। फिर बहुत सी ख़वातीन को बाहर निकलने की इजाज़त नहीं होती घर से, कि यार आप बाहर जाएँ इतनी दूर, कहीं शारा फैसल पे जाएँ आप या मलीर जाएँ या डिफेंस जाएँ, तो आपको इतना दूर जाने की इजाज़त सम टाइम नहीं मिलती। अच्छा, फिर जाहिर सी बात है आपको पढ़ाई करने भी तो जाना पड़ेगा, किसी इंस्टीट्यूट जाके सीखना पड़ेगा, इन सब चीज़ों को ख़त्म कर दिया सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट ने। आपको क्लास, मैं यहाँ पे ऑनलाइन पढ़ाने के लिए बैठा हुआ हूँ, ठीक है, तो आप मुझसे, ज़रूरी नहीं है मुझसे सीखें, आप ऑनलाइन और भी बहुत सारे लोग पढ़ा रहे हैं, आप कहीं से भी सीखें, डजेंट मैटर, ठीक है, लेकिन आपको अच्छे टीचर कोई ढूंढ रहे हैं ऑनलाइन, सब कुछ ऑनलाइन मौजूद है, YouTube पे कोर्सेज मौजूद हैं, Udemy पे कोर्सेज मौजूद हैं जो आप परचेज़ कर सकते हैं उसको, ठीक है, जैसे कि मैं यहाँ पे पढ़ा रहा हूँ, मेरी क्लास में आप इनरोल कर सकते हैं, पेड कोर्स है, तो पेड कोर्स में टाइम ज़ाया करने वाली चीज़ नहीं होती, हमेशा फ्री कोर्स में आपका टाइम ज़ाया होगा।
अगर अभी तक आप सीखने की कोशिश कर रहे थे सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट और फ्री कोर्सेज से सीख रहे थे आप, तो ये इस वजह से आपको अभी तक नहीं आई। आपको पेड कोर्स में इनरोल करना है। फ्री कोर्स में आपका टाइम ज़ाया होगा सिर्फ, बहुत कम ऐसे फ्री कोर्सेज हैं जो आपको चीज़ें सिखा रहे होते हैं, और वो भी चीज़ें सिखा रहे होते हैं तो वो अल्टीमेटली आपको अपने पेड कोर्स की तरफ लेके जाते हैं, क्योंकि रेवेन्यू हर बंदे को, पैसे तो कमाने हैं ना, लिविंग तो करनी है ना हर बंदे को। तो फ्री कोर्स के आसरे में प्लीज़ मत रहिए, पेड कोर्स से आप जल्दी से जल्दी सीखें और अपने घर पर बैठ के आप काम करें। अपवर्क पे प्रोफाइल अपनी बनाएं, आप फाइवर पे अपनी प्रोफाइल बनाएं और आप घर बैठे सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट हर तरह की आप कर सकती हैं और बहुत अच्छे पैसे मिलेंगे, डॉलर में मिलते हैं। क्योंकि हम कराची में बैठ के, मैं अमेरिका में जब काम कर रहा हूँ तो पैसे तो मुझे अमेरिका वाले मिलेंगे ना जहाँ पे मैं काम कर रहा हूँ, ठीक है। तो अमेरिका में आप सब लोग गूगल कीजिएगा जाके, मेरी बात पे बिलीव करने का ज़रूरत नहीं है आपको। $20 जो है वो ना ऑन एवरेज एक बंदे को दे रहे होते हैं वो, और सॉफ्टवेयर डेवलपर की बात नहीं कर रहा मैं पढ़े लिखे लोगों की बात नहीं कर रहा। $20 ऑन एवरेज वहाँ पे जो छोटे मोटे काम करते हैं, कोई गैस स्टेशन पे काम कर रहा है या कोई कहीं पे सेल्समैन है, छोटा मोटा कुछ बेच रहा है, कहीं पे वेटर है कोई, ठीक है, डिलीवरी बॉय है कोई, तो उस तरह के जो लोग होते हैं जो छोटी मोटी जॉब करते हैं उसको कुछ नहीं, नहीं कुछ नहीं, मोबाइल फ़ोन गिर गया था मेरा अच्छा, तो उनको $20 आमतौर पर मिल रहा होता है आवरली, एक घंटे के $20 जो मिनिमम वेज सेट किया हुआ है वहाँ की गवर्नमेंट ने सेट किया हुआ है। तो भाई इतना तो देगा ना कोई आपको। आप जब सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट वहाँ पे करेंगे उन लोगों के लिए, तो आपको कम से कम इतना तो बिलीव होना चाहिए ना कि जितना वहाँ पे वेटर को मिल रहा है उतना तो आपको मिल ही जाएगा, उससे कम तो नहीं देगा ना कोई। तो आप कैलकुलेट मार लें कि $20 घंटे के हिसाब से महीने के कितने बनते हैं, ठीक है। अच्छा, मुजफ्फर हुसैन, DP विद अलेक्सा बाई कनेक्टिंग लाइव। यार ये आपका सवाल शायद मुझे समझ में नहीं आया। इन्होंने कहा है कि काइंडली गिव एन एग्जाम्पल ऑफ डेटाबेस विद अलेक्सा बाई कनेक्टिंग लाइव, ये मेरे समझ में नहीं आया। अच्छा, प्लीज़ टेल मी वट इफ़ एनी क्लाइंट रिक्वायर एनी वॉइस एप्लीकेशन फ्रॉम अस, हाउ टू गिव वॉइस एप्स बाई क्रिएटिंग। इट मीन्स दैट इफ़ यू क्रिएट एन अकाउंट इन अलेक्सा स्किल किट, I start creating then after having created app, how to provide created apps to client, what would be the requirement for just take from client to start working, please let us know about it. अच्छा, इनका क्वेश्चन अगर मैं सही समझाऊँ तो ये कहना चाह रहे हैं कि जब ये तो अलेक्सा की ऐप तो मैं बना रहा हूँ, इसके डैशबोर्ड पर बना रहा हूँ, ये क्लाइंट को बना के मैं दूंगा कैसे। तो भाई इसका अपना स्टोर है, ठीक है, जैसे एंड्रॉयड की आप ऐप बनाते हैं तो उसको आप क्लाइंट को कैसे देते हैं, उनका स्टोर है उस पर पब्लिश कर देते हैं आप, वो पब्लिक हो जाता है, सब लोगों के लिए अवेलेबल हो जाता है, ठीक है। तो अच्छा, सलील बता रहे हैं कि कनाडा में मिनिमम पे जो है वो $60 पर आवर है। USA का बता रहे हैं आप या कनाडा का बता रहे हैं, प्लीज़ ये कंफर्म कीजिएगा। अच्छा, एक हाई पेइंग जॉब होती है, एक लो पेइंग जॉब होती है, तो वो दोनों भी अलग अलग है, तो काइंडली सलील वो भी ज़रा आप बता दीजिएगा अगर कमेंट में। अच्छा, सलील जो है वो कनाडा में ही होते हैं, तो इनका जो डेटा है वो मोर एक्यूरेट होगा, क्योंकि मैं यहाँ बैठा हुआ हूँ, वहाँ ग्राउंड रियलिटी उनको पता है। तो हाई पेइंग और लो पेइंग, ना लो पेइंग दोनों का प्लीज़ सलील ज़रा कमेंट में बता दें ताकि लोगों को पता चल जाए। अच्छा जी, तो हाँ मैं क्या कह रहा था कि जिस तरह आप एंड्रॉयड की एप्लीकेशन बनाते हैं, आईफोन की एप्लीकेशन बनाते हैं और उसके स्टोर पर पब्लिश कर देते हैं, इसी तरह अलेक्सा का भी एक अपना स्टोर है जहाँ पे आप जाके उसको पब्लिश कर देते हैं, ठीक है। वो स्टोर भी हम देखते हैं थोड़ी देर में, पहले हम एक छोटी सी हेलो वर्ल्ड की ऐप बना लेते हैं। अच्छा, अब आपको अपनी स्क्रीन पे नज़र आ रहा होगा इंट्रैक्शन मॉडल। सबसे पहले इन्वोकेशन है, इन्वोकेशन सबसे पहले नाम क्या होगा, मेरी ऐप का नाम कुछ होना चाहिए ना अच्छा, मेरी ऐप का हम नाम रखते हैं टॉक टू, मेरा ही नाम रख देते हैं टॉक टू इंजमाम मलिक, ठीक है, आसान है बहुत। इसमें मैं बोलूँगा अलेक्सा ओपन इंजमाम मलिक ऐसे करके, या अच्छा इन्वोकेशन नेम कैन नॉट कंटेन अपर, अच्छा अपर कैरेक्टर इसमें नहीं डाल सकते हम, ठीक है जी। अच्छा भी इंजमाम मलिक, अच्छा आप जब भी इसमें कोई चेंजेस करेंगे तो आपको सेव मॉडल दबाना पड़ेगा, ठीक है, सेव मॉडल से क्या होगा वो चेंजेस सेव हो जाएंगी आपकी। अच्छा, ये इन्वोकेशन नेम हो गया,
अब जब भी मैं, जैसे मैंने अभी गेम खेला था तो मैंने उसको गेम का नाम बताया था, तो इस तरह मुझे ये नाम बताना पड़ेगा अलेक्सा को इस चीज़ को स्टार्ट करने के लिए। अच्छा, इंट्रैक्शन मॉडल में अब हम चलते हैं। इंट्रैक्शन मॉडल में ना सबसे पहले इंटेंट्स मौजूद हैं, जो इंटेंशन से, जिसको मैंने बताया था कि इंटेंट का मतलब इंटेंशन है। सैयद जहाज़ेब ज़ैदी भी ये पूछ रहे हैं कि सर क्या ये कोर्स पेड होगा। जी जी, ये कोर्स बिल्कुल पेड है, ये पहली क्लास है जो हम फ्री ऑफ कॉस्ट सब लोगों के लिए कर रहे हैं, ताकि आपको पता चल जाए कि ये चीज़ है क्या जो हम पढ़ने जा रहे हैं, ठीक है, इसकी क्या पेइंग है, कहाँ पे इसकी जॉब्स हैं, ये सारी चीज़ें हमने डिस्कस की हैं। और उसके बावजूद भी अगर आप लेट ज्वाइन हुए हैं और आपके जहन में स्टिल कोई सवाल है, तो आप वो कमेंट में पूछ सकते हैं, मैं या तो लाइव के दौरान उसका जवाब दे दूंगा और लाइव सेशन के बाद भी मैं आपके कमेंट्स में भी जवाब दे सकता हूं। तो प्लीज़ क्वेश्चन पूछने में आपको जो शर्माने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है, क्वेश्चन पूछने से ही बंदा सीखता है। तो आपके जहन में जो भी क्वेश्चन आ रहे हैं वो आप प्लीज़ जो है वो कमेंट में पूछ सकते हैं आप। अच्छा, एक इसके अंदर ना इंटेंट बना हुआ है, हेलो वर्ल्ड इंटेंट, ठीक है। मैं इस हेलो वर्ल्ड के इंटेंट चेंज कर देता हूँ, मैं इसको कहता हूँ नेम इंटेंट, मैंने नाम चेंज कर दिया इसका, एक इंटेंट पहले से बना हुआ था उसका। अब इस इंटेंट में मैं क्या पूछूंगा कि व्हाट इज़ योर नेम, ठीक है जी। यानी यूज़र क्या बोले तो ये इंटेंट हिट हो जाए, वो बात लिख रहा हूँ मैं, व्हाट इज़ योर नेम, ठीक है। कैन आई हैव योर नेम, योर गुड नेम प्लीज़, ठीक है जी, ये मैंने चीज़ बता दी। अच्छा, तो ये तीन बातें मैंने कह दी हैं। अब तीन के अलावा किसी भी दूसरे अंदाज में अगर बंदा कहता है ना कि व्हाट इज़ योर नेम, तो ये उसको समझ लेगा, क्योंकि पीछे AI इन्वॉल्व है, ठीक है ना। तो AI के ज़रिए ये चीज़ें कवर हो जाती हैं कि वो जो मैंने बात नहीं भी लिखी है, अगर किसी मुख्तलिफ अंदाज से बंदा कह देता है तो वो इसको समझ जाता है, ठीक है जी। और मैंने इसको कर दिया सेव। अच्छा, इसका जवाब अभी तक मैंने इसको बताऊंगा इसको। अच्छा जी, अब इसमें मैं इंटेंट एक और ऐड कर देता हूँ। एक तो नेम का कर दिया मैंने, ठीक है, क्रिएट। अब नेम के बाद मैं क्या बनाऊँ, व्हाट इज योर वर्क एक्सपीरियंस, ठीक है, वर्क एक्सपीरियंस बना दिया मैंने, इस नाम से इंटेंट बना दिया। अच्छा, ये इंटेंट कब हिट होगा, क्या चीज़ बंदा बोले तो मैं समझ जाऊँ कि ये वर्क इंटेंशन पूछना चाह रहा है, इसकी इंटेंशन पता चल जाए बंदे की। व्हाट इज योर वर्किंग एक्सपीरियंस, हाउ लॉन्ग आर यू इन चैटबॉट्स, ओके। अगर ये बंदा भी कहे तो भी समझ जाओ कि वो वर्क एक्सपीरियंस पूछना चाह रहा है। अच्छा, व्हाट डू यू डू, आप क्या करते हैं, अच्छा जी, और हाउ मच एक्सपीरियंस डू यू हैव, यार ये ऑटो कंप्लीट में ना थोड़ा सा ये गड़बड़ कर रहा है। अच्छा, क्वेश्चन मार्क नहीं चाहिए उसको, ठीक है जी। मैंने ये भी बता दिया कि वर्किंग एक्सपीरियंस, टेल मी अबाउट योर वर्किंग एक्सपीरियंस, ठीक है जी। अच्छा, जब मैं कुछ चार पांच जुमले लिख दूंगा ना, तो उसके बाद ये रेकमेंड भी करता है मुझे,
ठीक है, इन जुमलों को देखते हुए रेकमेंड भी करता है कि यार ये भी लिख दो, ठीक है, तो यहाँ से भी हम रेकमेंडेशन भी ले सकते हैं। रेकमेंडेशन लेकिन थोड़ी देर में आती है। अच्छा खैर, रेकमेंडेशन तो काफ़ी टाइम ले रही है आने में, तो मैंने ये दो इंटेंट बना दिए, ठीक है। अच्छा, अब मुझे ना एक अदद बनाना पड़ेगा वेलकम इंटेंट, क्योंकि जाहिर सी बात है जैसे ही बंदा मेरी यानी मेरे जो चैटबॉट से बात करना स्टार्ट करे, मिसाल के तौर पर मैं कहता हूँ अलेक्सा टॉक टू इंजमाम मलिक, ठीक है, या अलेक्सा ओपन इंजमाम मलिक, ठीक है, ये अगर बंदा कहता है तो उसको एक इंट्रोडक्शन तो देना पड़ेगा ना, ठीक है, एक इंट्रोडक्शन उसको देना पड़ेगा कि भाई ये है जो भी ऐप का नाम है। तो इसको मैं वेलकम के नाम से एक बना देता हूँ, ठीक है, वेलकम इंटेंट। अच्छा, अब मैं इसको कहता हूँ कि क्या बंदा बोले तो ये चल पड़े, ठीक है, हाय बोले अगर, हेलो बोले अगर, ठीक है, इस तरह की भी कोई बात बोले तो भी ये चल पड़े। अच्छा, बट हाय हेलो काफ़ी है। अब हम ये तीन इंटेंट हमने बना दिए, एक हमने वेलकम बना दिया कि जैसे ही बात करना शुरू करें ना तो पहले खुद से अपना इंट्रोडक्शन वो दे, और उसके बाद नेम, उसके बाद वर्क एक्सपीरियंस, ठीक है, ये तीन चीज़ें हमने ऐड कर दी यहाँ पे। अच्छा, अब जो चपके मैं ये कंप्लीट कर चुका हूँ सारा कुछ, मुझे बिल्ड मॉडल बनाना पड़ेगा क्योंकि पीछे AI का मॉडल ट्रेन होता है, ठीक है, और ये बिल्ड मॉडल जैसे ही मैं करूँगा तो ये देखें नीचे इसकी ना बिल्डिंग शुरू हो गई, तो इसको थोड़ा सा टाइम लगता है अपना मॉडल क्रिएट करने में, तो ये पीछे ना बिहाइंड द सीन AI का मॉडल क्रिएट कर रहा होता है, तो हम वेट करते हैं इसके AI के मॉडल को कंप्लीट होने का। और इतनी देर में ये जो सेकंड वाला टैब इसके पड़ोस में आपको दिख रहा है, बिल्ड के बराबर में कोड दिख रहा है, ठीक है, तो कोड वाले पे मैं आ जाता हूँ, दूसरे टैब में मैंने खोल लिया ताकि ये चलता रहे, इधर कंप्लीट होता रहे। अच्छा, ये कोड है मेरे पास, पहले से कुछ कोड इसमें लिखा हुआ है, कंप्लीट हो गया, बिल्डिंग मेरी कंप्लीट हो गई, अब मैं कोड में आ चुका हूँ, ठीक है, इसी के ऊपर टैब्स में से कोड पे मैंने क्लिक किया हुआ है। अच्छा, सबसे पहले लिखा हुआ है लॉन्च रिक्वेस्ट हैंडलर। अच्छा, अभी मैं इसकी ना ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊँगा क्योंकि अभी हम जस्ट एक हेलो वर्ल्ड बना रहे हैं, बस मैं आपको इतना बताना चाहता हूँ कि जो लॉन्च रिक्वेस्ट होगी ना उसमें ऑटोमेटिकली क्या होगा, ये वाला हिट हो रहा होगा, ठीक है, लॉन्च रिक्वेस्ट जो होगी उसमें क्या होगा, ये वाली चीज़ हिट हो रही होगी, और जो भी मैं बात यहाँ पे लिखूँगा ना, जैसे ही मैं बात करना शुरू करूँगा तो वो ये वाली बात बोलेगा, तो मैं इसमें कह देता हूँ हेलो एंड वेलकम, ठीक है जी, हेलो एंड वेलकम, आई एम वर्चुअल वर्जन ऑफ मिस्टर इंजमाम मलिक, ठीक है, व्हाट वुड यू लाइक टू आस्क, इसमें मैं फुल स्टॉप लगा देता हूँ, व्हाट वुड यू लाइक टू आस्क, आई कैन टेल यू हिज नेम एंड वर्क एक्सपीरियंस, ठीक है जी, फुल स्टॉप। तो जैसे ही मेरी स्किल ये वाली लॉन्च होगी अलेक्सा के ऊपर, तो ये वाली बात ना पूरी वो बोल के बता देगा कि भाई ये चीज़ें मैं कर सकता हूँ। अच्छा, लास्ट में आपने देखा मैंने इससे पूछा कि भाई क्या किया ये कर सकता है, वो भी बताया, तो हमें ना वॉइस एप्लीकेशन में यूज़र को हिंट देना पड़ता है कि भाई आप ना ये भी कर सकते हो, ये भी कर सकते हो, थोड़ा उसको गाइड करना पड़ता है। ऑन अदर हैंड वेब एप्लीकेशन में क्या होता है, आप बटन पर थोड़ी देर होल्ड करते हो ना तो नीचे एक टूल टिप आ जाती है, तो इसमें टूल टिप नहीं होता, इसमें इस तरह से आपको गाइड करना पड़ता है ना थोड़ा थोड़ा करके यूज़र को। अभी थोड़ी देर पहले मैंने जो गेम खेला था इस पर, उसमें भी आपने नोट किया होगा कि क्या करता है वो मुझे बताता है कि यार आर यू रेडी टू टेल द एनिमल नेम, इस तरह कह रहा था वो, तो यस और नो आप बोलें, आपके पास ऑप्शन है कि आप यस या नो बोल सकते हैं, ठीक है ना, तो मैंने यस नो बोला, उसको समझ में आ गया। तो इस तरह हमें ना थोड़ा सा हिंट भी देनी पड़ती है यूज़र को। अच्छा, उसके बाद जो ये ना मेरा इंटेंट हैंडलर बना हुआ है, ठीक है, अच्छा वो हेलो वर्ल्ड इंटेंट को मैंने चेंज कर दिया था, मैं जाके देखता हूँ मैंने उसका नाम क्या किया था, मैंने उसका नाम कर दिया था नेम इंटेंट, तो मुझे अब यहाँ पे इसको नेम इंटेंट के अगेंस्ट ये बात बतानी पड़ेगी,
ठीक है, शुरू में थोड़ा सा मुश्किल लग रहा होगा, लेकिन इंशाल्लाह ये एक महीने का कोर्स है पूरा, हम एक महीने में ना इसको इन डेप्थ सीखेंगे, और ये चीज़ें आप खुद बना रहे होंगे जो अभी आपको बहुत मुश्किल लग रही है ना देखने में, ये आप खुद ये चीज़ें बना रहे होंगे इंशाल्लाह। अच्छा, तो मैंने नेम यहाँ पे बता दिया कि यार नेम इंटेंट जब हो ना तो ये वाला जवाब दो। इसमें मैंने क्या कह दिया कि माई नेम इज़ मोहम्मद इंजमाम मलिक, माई फ्रेंड्स कॉल मी मलिक, वुड यू लाइक टू नो माई वर्क एक्सपीरियंस। ठीक है जी, ये जवाब मैंने इसका लिख दिया कि जब भी कोई पूछेगा कि व्हाट इज योर नेम, तो वो बोलेगा कि माई नेम इज मोहम्मद इंजमाम मलिक, माई फ्रेंड्स कॉल मी मलिक, वुड यू लाइक टू नो माई वर्क एक्सपीरियंस। ठीक है, अब देखिए मैंने एक सवाल छोड़ा उसके लिए दोबारा से, ठीक है कि भाई अब अगर वर्क एक्सपीरियंस जानना है तो मुझे बोलो। अच्छा, और ये स्पीक आउट मैंने बता दिया यहाँ पे, और फिर मैंने रीप्रॉम्प्ट भी लगाया एक कि अगर बंदा जवाब ना दे तो फिर क्या करना है। ठीक है, मैंने एक सवाल पूछ लिया, अब बंदा सामने से अगर जवाब नहीं देता तो फिर क्या करना है, अगर थोड़ी देर तक खामोश रहता है। तो मैंने उससे बोला कि भाई टू नो माई वर्क एक्सपीरियंस से व्हाट इज योर इज योर वर्क एक्सपीरियंस। ठीक है, टू नो माई एक्सपीरियंस से व्हाट इज योर वर्क एक्सपीरियंस। तो अब देखें, मैंने एक इंटेंशन बनाई थी, उसके अगेंस्ट मैं अब रिस्पॉन्सेज बनाता चला जा रहा हूँ। ठीक है, अच्छा हो सकता है, लेकिन अभी जस्ट ये हेलो वर्ल्ड है तो उसको हेलो वर्ल्ड कंसिडर कीजिएगा, कहीं कोई ऐसा ना किसी को लगे कि यार ये तो मतलब ये तो सिंपल क्वेश्चन आंसर है, तो अभी सिंपल क्वेश्चन आंसर ही बनाना मेरा इंटेंशन है, राइट। तो ये मैंने बना दिया। अच्छा, अब चूंकि इन्होंने तो पहले से एक ही इंटेंट बनाया हुआ था, लेकिन मुझे तो मजीद इंटेंट भी बनाने ना, तो मैंने इसको कॉपी करके इसको डुप्लीकेट कर लिया मैंने। ठीक है, और ये हेलो वर्ल्ड इंटेंट जो था ना, इसका मैंने नाम अब क्या कर दिया, अब वर्क एक्सपीरियंस चाहिए मुझे। मैंने कहा वर्क एक्सपीरियंस इंटेंट हैंडलर, ये मेरी मर्ज़ी का कोई भी नाम हो सकता है, और इसको मैंने नीचे नीचे मुझे यहाँ पे बताना भी पड़ेगा कि यार अब मेरे पास ये वाला भी एक है। ठीक है जी, ये हेलो वर्ल्ड इंटेंट हैंडलर है, इसके बाद मैंने ये बता दिया कि अब ये वाला भी मेरे पास मौजूद है, इसको भी कंसिडर करना है आपने। ठीक है, और मैं वापस ऊपर आ गया। अब ये इंटेंट नेम क्या हो तो ये चले, वर्क एक्सपीरियंस हो तो ये चले। ठीक है, इंटेंट नेम वर्क एक्सपीरियंस हो तो इसको चलना चाहिए। अच्छा, तो अब अगर कोई ये पूछता है कि व्हाट इज़ योर वर्क एक्सपीरियंस, तो जवाब क्या होना चाहिए। ठीक है, इसमें जवाब होना चाहिए कुछ भी सिंपल लिख देते हैं, आई स्टार्टेड working on web technologies, ठीक है, in 2012, later on moved to AI, chatbots and voice apps in 2015, राइट। अच्छा, दीज डेज आई एम वन ऑफ द ठीक है, आई एम वन ऑफ द एक्सपर्ट्स, जो भी इस वक्त दुनिया में एक्सपर्ट्स मौजूद हैं उसमें से आई एम वन ऑफ दोज। अच्छा, और इसमें मैं कोई रीप्रॉम्प्ट नहीं लगाना चाह रहा हूँ, रीप्रॉम्प्ट को मैंने बंद कर दिया। ठीक है, यहाँ पे मेरी ऐप ये कंप्लीट हो गई, इसको मैं अब क्या कर देता हूँ, डिप्लॉय का बटन दबाना पड़ेगा मुझे, राइट।
पहले सेव सेव तो मैं कंट्रोल एस से करता ही जा रहा था, डिप्लॉय का बटन दबाना पड़ेगा, तो क्या होगा ये एप्लीकेशन मेरी यानी जो कोड मैंने लिखा है ये लाइव हो जाएगा। अच्छा ये लाइव अभी सिर्फ मेरे लिए होगा, सब लोगों के लिए नहीं होगा, क्योंकि जाहिर है इसमें पब्लिश का एक प्रोसेस है, इनका अपना एक स्टोर है उस पर पब्लिश करना होता है आपको, उसके बाद ही आपकी जो है ना ऐप ये पब्लिकली ओपन होती है। अच्छा तो अब ये तीसरा टैब है टेस्ट का बटन लगा हुआ है यहाँ पे, तो मैं टेस्ट का बटन प्रेस कर देता हूँ। तो यहाँ पे ना एक टेस्टिंग का कॉन्सोल भी है, आपके पास अगर अलेक्सा की डिवाइस है तो आप उस पर भी इसको टेस्ट कर सकते हैं, लेकिन चूंकि मुझे ये बात पता है ज़्यादातर लोगों के पास अलेक्सा की डिवाइस मौजूद नहीं होगी, तो मैं यहाँ पे टेस्ट करके आपको दिखाता हूँ और उसके बाद मैं अपने मोबाइल फ़ोन पर भी आपको कोशिश करूँगा कि टेस्ट करके दिखाऊँ, क्योंकि ये दो चीज़ें हैं जो सब लोगों के पास ईजिली अवेलेबल होंगी। अच्छा ये कुछ टाइम ले रहा है खुलने में, आई थिंक इसको मैं रिफ्रेश कर देता हूँ एक बार। अच्छा यहाँ पे ना टेस्ट इज डिसेबल फॉर दिस स्किल लिखा हुआ है, इसको मुझे क्या करना पड़ेगा डेवलपमेंट पे लाना पड़ेगा कि भाई डेवलपमेंट में अभी जो स्किल है उसको टेस्ट करना चाह रहा हूँ मैं। अब मैं इसमें क्या कहूँगा, ओपन इंजमाम मलिक, हेलो एंड वेलकम, आई एम वर्चुअल वर्जन ऑफ मिस्टर इंजमाम मलिक, व्हाट वुड यू लाइक टू आस्क? I can tell you his name and work experience. अच्छा अभी मुझे ये नहीं पता कि आप लोगों को मेरे स्क्रीन के साथ साथ स्क्रीन का साउंड भी शेयर हुआ हुआ है कि नहीं हुआ हुआ, बट ये जो भी लिखा हुआ रहा है ये इसने बोल के भी बताया है, अगर मैं यहाँ पे बटन प्रेस करूँगा तो ये उसको दोबारा भी बोल के बताएगा। Hello and welcome. I am virtual version of Mr. Inzamam Malik. What would you like to ask? I can tell you his name and work experience. ठीक है, अच्छा मैं यहाँ पे बोल भी सकता हूँ माइक का बटन प्रेस करके, अभी तो मैंने लिख दिया था बट मैं बोल भी सकता हूँ। मैंने कहा कैन यू टेल मी व्हाट इज़ योर नेम, माय नेम इज़ मोहम्मद इंजमाम मलिक, माय फ्रेंड्स कॉल मी मलिक, वुड यू लाइक टू नो माय वर्क एक्सपीरियंस? Yes, tell me about your work experience. I started working on web technologies in 2012. Later on moved to iChatbots and voice apps in late 2015. अच्छा तो ये हमने एप्लीकेशन को बनाया है, आपके सामने बनाया है और आपके सामने ये टेस्ट हो गई है। अच्छा अब मैं इसको जो है ना अब मैं अपनी स्क्रीन को थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ ताकि आपको ये दिख सके। अच्छा ये अलेक्सा की मेरे पास ऐप है, इसको मैंने ओपन कर लिया अभी। अच्छा जी ये ओपन हो रही है ऐप। अच्छा ओपन होने के बाद ये ऐसी दिखती है। अच्छा मैं बल्कि अपनी स्क्रीन ना आपके पास शेयर करता हूँ अगर मैं कर पाऊँ तो। अच्छा होपफुली मेरी स्क्रीन आपके पास आ गई होगी मेरे मोबाइल फ़ोन की। अच्छा तो अब मैं इससे क्या बोलूँगा, अलेक्सा टॉक टू इंजमाम मलिक। अच्छा टॉक टू मैंने गलत बोल दिया, ये टॉक टू से ना ये कॉल मिलाने की कोशिश करता है मोबाइल ऐप। ये मेरा ख्याल है ऐसे ही दिखा के करता हूँ वो ज़्यादा सही है, क्योंकि वो शेयर होने के बाद ना कुछ मेरा फ़ोन शायद कुछ हैंग वैंग हो जा रहा है। अच्छा तो मैं ऐसे करता हूँ, अलेक्सा अलेक्सा ओपन इंजमाम मलिक। Version of Mr. Inzamam Malik. What would you like to ask?
I can tell you his name and work experience. Alexa, can you tell me what is your name? My name is Muhammad Inzamam Malik. My friends call me Malik. Would you like to know my work experience? Yes, please tell me about your work experience. I started working on web technologies in 2012. Later on moved to iChatbots and voice apps in late 2015. These days I am one of the experts in voice apps. अच्छा जी, तो ये हमने मोबाइल फोन पे इसको टेस्ट कर लिया. ये अलेक्सा पूरी मौजूद है, यहाँ पर टैप भी कर सकते हैं. व्हाट्स द वेदर, और आप बोल भी सकते हैं. अलेक्सा बोलने से भी ये जाग जाता है. Current weather is 68 degrees Fahrenheit with clear skies. Throughout the night you can ये हमने जो है ना इसको अपनी एक छोटी सी ऐप बना के और उसको टेस्ट भी कर लिया. अच्छा, मोहम्मद उमर खान कह रहे हैं कि आवाज़ इनको आ रही थी, बिल्कुल सही आ रही थी. चलें, गुड यार, ज़बरदस्त. अच्छा, तो अब हम क्या करते हैं, अगर किसी के कोई अगर सवालात हैं तो वो हम लेते हैं यहाँ पे. अच्छा, इतने में मैं ये भी दिखा देता हूँ आपको कि ये पब्लिश कैसे होगी ये ऐप. ये बन तो गई है, अब इसको पब्लिश करने का प्रोसीजर क्या है. अभी हम पब्लिश कर नहीं रहे हैं इसको, राइट, लेकिन जस्ट मैं आपको गो थ्रू करवा देता हूँ. यहाँ पे नाम वगैरह, डिस्क्रिप्शन, सारी चीज़ें लिखकर और क्या बोलने से आपकी ऐप इन्वोक होती है, आपके ऐप की आइकन, ठीक है, किस कैटेगरी में फॉल करती है आपकी ऐप, प्राइवेसी पॉलिसी वगैरह, ये सारी चीज़ें देने के बाद आप क्या करेंगे, आप जाते हैं नेक्स्ट वाले कैटेगरी पर, ठीक है, प्राइवेसी एंड कंप्लाइंस. यहाँ पे ये कुछ पूछ रहा है कि भाई क्या पर्सनल इन्फॉर्मेशन आप कलेक्ट करते हैं. ये सारा फॉर्म फिल करने के बाद फिर अवेलेबिलिटी पे आप जाते हैं, ठीक है, कि आप पब्लिकली अवेलेबल होगा, आपका दुनिया की सारी कंट्रीज़ में होगा या कुछ सेलेक्टेड कंट्रीज़ में होगा, ठीक है. ये सारा कुछ फिल करने के बाद आप बस सेव एंड कंटिन्यू करते हैं और फिर आप जाते हैं सर्टिफिकेशन पे, ठीक है. तो ये दो टैब्स हैं जो आपको दोनों फिल करने पड़ते हैं, ठीक है. ये डिस्ट्रीब्यूशन का टैब कंप्लीट कर लिया मैंने, सारे फॉर्म वगैरह सारी चीज़ें फिल कर दी, ठीक है. अच्छा, उसके बाद ये वैलिडेशन जो रन हो रही है ना इस वक्त, ये ऑटोमेटिक एक वैलिडेशन रन करता है कि आपकी ऐप में कोई चीज़ मिसिंग तो नहीं है अभी तक. चूंकि मैंने बहुत सारी डिस्क्रिप्शन और टाइटल वगैरह वो सब मैंने फिल आउट नहीं किया हुआ था, तो ये कह रहा है भाई आपको वो सारी ना फिल आउट करनी पड़ेगी पहले, ठीक है. उसके बाद ही आपको, आपने आइकन भी नहीं लगाया हुआ, ठीक है, तो काफ़ी सारी चीज़ें, प्राइवेसी पॉलिसी नहीं लगाई हुई आपने, तो वो सारी चीज़ें करने के बाद ना फिर मैं सबमिशन पे आ जाऊँगा, राइट. और सबमिशन पे आने के बाद मैं सबमिट फॉर रिव्यू पे क्लिक कर दूँगा. अभी ये डिसेबल इस वजह से है क्योंकि वैलिडेशन फेल हो गया मेरा, ठीक है. तो वो सारी चीज़ें फेल आउट करने के बाद मैं सबमिट फॉर रिव्यू कर दूँगा. अब वो लोग बैठे हुए हैं अलेक्सा के जो ऑफिशियल, वो उसको रिव्यू करेंगे. ह्यूमंस होते हैं वो, ठीक है, ऑटोमेटेड कोई सिस्टम नहीं है, ह्यूमन इसको बाकायदा टेस्ट करते हैं. तो आपको ना जब आप सबमिट करते हैं रिव्यू के लिए तो टेस्टिंग इंस्ट्रक्शन भी देनी पड़ती है कि भाई आप इस तरह से इससे बात कर सकते हैं और ये जवाब आपको मिलेगा उसका. तो पूरी टेस्टिंग इंस्ट्रक्शन भी आपको टेक्स्ट फॉर्मेट में देनी पड़ती है जब आप इसको सबमिट कर रहे होते हैं, तो आखिरी बात आपसे वो पूछता है. तो उसके बाद फिर क्या होता है कि आपकी ये जो ऐप है वो पब्लिश हो जाती है, और पब्लिश होने के बाद ये कहाँ पे चली जाती है, ये चली जाती है अमेज़ॉन के स्टोर पे, ठीक है जी, अमेज़ॉन के स्टोर पे चली जाती है ये. अच्छा, अभी मैंने ये अमेज़ॉन का स्टोर ओपन कर लिया है, मेरे पास जो लोकेशन है ना इसमें वो पाकिस्तान हुई हुई है. मैं लोकेशन को पाकिस्तान से चेंज करके मैं यूएसए करूँगा ना जैसे ही, क्योंकि पाकिस्तान में ये उस तरह से अभी लॉन्च नहीं हुई है, तो इसलिए पाकिस्तान में कुछ भी चीज़ नज़र नहीं आती इनकी, ठीक है भाई. तो मैंने इसको ना यूनाइटेड स्टेट्स कर दिया, इस अपनी जो जो लोकेशन थी उसको चेंज करके यूनाइटेड स्टेट्स कर दिया मैंने. तो अब मैं क्या कर सकता हूँ, यहाँ पे जाके ना, ये क्या हुआ है, यहाँ पे यार एक लिस्ट आती है बड़ी लंबी सी, वो पता नहीं क्यों नहीं आ रही. हाँ, ये आ गई ना. यहाँ पे ना एक आ रही होगी अलेक्सा की स्किल्स आ रही होंगी. ये रहा अलेक्सा स्किल, पहले नंबर पे ही आ रही थी, मैं नीचे ढूंढ रहा था इतना इसको, ठीक है. अलेक्सा स्किल आप कोई सी भी, मिसाल के तौर पे मैंने बीबीसी लिख दिया यहाँ पे,
ठीक है, तो ये एलेक्सा की स्किल आ गई बीबीसी की। एलेक्सा की जितनी स्किल्स मौजूद है ना, सब यहाँ पे आ रही होंगी आपके पास, राइट। एक मैंने एक क्लाइंट के लिए बनाया था सीना के नाम से, उसको अभी हम रिसेंटली अपडेट भी कर रहे हैं, ये यहाँ पे मौजूद है सीना, ठीक है जी। और बहुत सारी स्किल्स और भी मौजूद हैं यहाँ पे। अच्छा, स्किल तो खैर सीना के नाम से एक ही है, ये बाकी जो है वो दूसरी मूवीज़ म्यूज़िक वगैरह दिखा रहा है। अच्छा, तो कोई भी स्किल आप जाएंगे उसके अंदर क्लिक करेंगे आप, उसके अंदर जाने के बाद देखें आपको क्या है, इनेबल का बटन दबाएंगे आप, राइट। तो इनेबल जैसे ही आप उसको कर देते हैं तो आपकी, चूंकि मेरे पास यहाँ पे ना देखें मेरा अकाउंट लॉगिन हुआ हुआ है, लिखा हुआ रहा है हेलो इंजमाम, राइट। तो जाहिर है मेरा एलेक्सा का अकाउंट और अमेजोन का अकाउंट सेम ही अकाउंट है, तो जैसे ही मैं उसको इनेबल करूँगा ना यहाँ पे, तो क्या होगा, मेरी जितनी भी एलेक्सा की डिवाइसेस मेरे उस अकाउंट से कनेक्टेड है सब में ये इनेबल हो जाएगा, और फिर मैं उसको बोल पाऊँगा कि भाई एलेक्सा ओपन सीना, ठीक है। ऐसे करके मैं बोलूँगा तो ये सीना से बातचीत शुरू हो जाएगी, ठीक है। तो पब्लिश होने के बाद आपकी जो स्किल है वो कुछ इस तरह से नज़र आती है एलेक्सा के स्टोर पे, अमेज़ॉन के ऑफिशियल स्टोर पे इस तरह से नज़र आती है वो, ठीक है जी। आपकी प्राइवेसी पॉलिसी और टर्म एंड कंडीशन सारी यहाँ पे दिख रही होती है, सपोर्टेड लैंग्वेजेस इसकी इंग्लिश है वो दिख रहा होता है, और एलेक्सा की जो दूसरी ऐप्स हैं जो इससे मिलती जुलती है, जो लोगों ने इस्तेमाल की हुई है, जो हाई रेटेड है, वो देखें सारी नीचे सजेशन में भी आ रही है कि भाई आप इनमें से भी कोई ट्राई करके देख सकते हैं एलेक्सा की ऐप्स, ठीक है। तो उम्मीद इनको है कि भाई आपको ये अच्छी लगेगी इस तरह की ऐप। यहाँ पे रिव्यू का भी ऑप्शन है, ठीक है, राइट अ कस्टमर रिव्यू। जैसे कि आप कोई एंड्रॉयड की ऐप जब डाउनलोड करते हैं या कोई भी ऐप डाउनलोड करते हैं आप, तो क्या होता है कि आपको रिव्यू का भी ऑप्शन मिलता है, ठीक है। अभी तो इसमें किसी ने कोई रिव्यू नहीं किया, लेकिन मैं किसी दूसरी ऐप में चला जाता हूँ क्योंकि ये रिलेटिवली काफ़ी न्यू ऐप है, अभी ये फ़ौरन ही इस पर हुई है। मिसाल के तौर पर स्लीप साउंड के नाम से एक ऐप है, इसके अंदर मैं चला जाता हूँ तो इसमें आपको मोस्ट प्रॉब्ली रिव्यूज़ काफ़ी सारे देखने को मिल जाएंगे, ठीक है। ये कस्टमर के रिव्यूज़ भी यहाँ पे मौजूद हैं, ये लोगों ने यहाँ पे रिव्यू लिखा हुआ है, ठीक है। अच्छा, काफ़ी सारे तो वन स्टार वाले ही आ रहे हैं, हम फाइव स्टार वाले रिव्यू देख लेते हैं, ठीक है। ये लोगों ने अच्छे अच्छे रिव्यू भी लिखे हैं बहुत सारे, ठीक है। आई हैव बीन यूजिंग दिस फ्री वर्जन ऑलमोस्ट 6 मंथ। तो इस तरह रिव्यू भी आ रहे होते हैं आपके पास, जिससे आपको हेल्प आउट हो जाता है कि आया कि आपको ये ऐप इस्तेमाल करनी चाहिए, ये जिस पर्पस के लिए बनाई गई है या डिस्क्रिप्शन में जो बातें लिखी गई हैं, क्या वो सही बातें या वो ऐप अच्छी नहीं है, ठीक है। ये भी आपको उससे पता चल जाता है। अच्छा जी, तो मैं ये सब चीज़ें कट करके मैं वापस यहाँ पे आ जाता हूँ, और अब हमारे पास जो है वो काफ़ी सारे क्वेश्चन आ गए हैं, मैं एक एक करके उनका जवाब देने की कोशिश करता हूँ। और यहाँ सामने जो स्क्रीन पे कॉन्टैक्ट डिटेल सारी यहाँ पे नज़र आ रही होगी आपको, ये नोट डाउन कर सकते हैं आप इन कॉन्टैक्ट डिटेल्स के ज़रिए। व्हाट्सएप पे मुझे आप मैसेज कर सकते हैं, व्हाट्सएप का ग्रुप का लिंक जो है वो प्लीज़ कॉमेंट में कोई शेयर कर दे जो अगर पहले से ज्वाइन है उस ग्रुप में। तो अच्छा, तो अब मैं एक एक करके सवाल लेने की कोशिश करता हूँ। ये मैं कहीं और ही पहुंच गया। अच्छा, मुजफ्फर हुसैन पूछ रहे हैं कि व्हाई इज इट टेकिंग डिले, हाउ टू ओवरकम डिले एंड नॉइज। यार ये मेरे ख्याल है वीडियो के डिले की बात कर रहे हैं कि वीडियो थोड़ी देर से उनके पास पहुंच रही है, मे बी। How many apps can we create in Alexa Skill Kit? How many gigabytes are provided us for creating multiple applications? यार Alexa Skill Kit में ना कोई लिमिट नहीं है, आप जितनी मर्जी चाहे ऐप बना सकते हैं, बल्कि ये आपको ऐप बनाने पे ना इंसेंटिव भी देते हैं, क्योंकि नया प्लेटफॉर्म है, ये चाहते हैं कि हमारे पे डेवलपर आएँ और ऐप बनाएं, तो आपके पास अनलिमिटेड स्पेस है, जितनी ऐप आप बनाना चाहें इसके ऊपर बना सकते हैं, ठीक है, कोई गीगाबाइट की लिमिट नहीं है। अच्छा, लाइबा सरफराज, इज इट इम्पॉर्टेंट टू हैव फुल फ्लैश जावास्क्रिप्ट नॉलेज टू अटेंड दिस कोर्स। जी, फुल फ्लैश तो नहीं आपको ज़रूरत है, लेकिन बेसिक अंडरस्टैंडिंग जो है जावास्क्रिप्ट की वो इसमें रिक्वायर्ड है, ठीक है, कि आपको इफ एल्स का पता हो, आपको फॉर लूप पता हो कि क्या चीज़ होती है, ठीक है, वेरिएबल्स आपको बनाने आते हो, आपने बेसिक जावास्क्रिप्ट आपको पता हो कि क्या चीज़ होती है, ठीक है, बहुत कोई एडवांस रिक्वायरमेंट नहीं है इसकी।
यू वर शोइंग अस फ्रॉम मैकबुक, वुड इट बी सेम इन विंडोज 10? हाँ बिल्कुल यार, ये मैंने आपको असल में मैक से नहीं, मैंने आपको खोल के दिखाया, मैंने आपको गूगल क्रोम के ब्राउजर से खोल के दिखाया है, ठीक है? तो गूगल क्रोम का ब्राउजर सब जगह सेम होता है, तो आप इसको किसी भी लिनक्स में भी खोलेंगे आप गूगल क्रोम तो वही खुलेगा, मैप में भी खोलेंगे तो वही खुलेगा, तो ये बिल्कुल परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, आपके पास जो है ना बिल्कुल इसी तरह खुलेगा ये विंडोज़ के ऊपर भी। अच्छा, इज़ क्रिएटिंग अकाउंट इन अमेजोन मैंडेटरी? कैन वी डाउनलोड आवर अलेक्सा क्रिएटेड ऐप विदाउट अकाउंट क्रिएशन? नहीं जी, आपको अकाउंट तो बनाना पड़ेगा, ठीक है? जैसा कि आप एंड्रॉयड की एप्लीकेशन जब बनाते हैं तो आपको गूगल प्ले स्टोर के ऊपर क्या कहते हैं अकाउंट बनाना पड़ता है ना गूगल पे, और फिर आप अपना ऐप पब्लिश करते हैं, ठीक है जी? तो आपको अपना अकाउंट तो बनाना पड़ेगा अमेज़ॉन पे, और वो फ्री है बाय द वे। एक तो AWS है ना, AWS क्लाउड पे जब अकाउंट बनाते हैं तो वो क्रेडिट कार्ड भी मांगता है, सब कुछ मांगता है, लेकिन जो मैंने खोला था ना अलेक्सा स्किल किट, इस पे अकाउंट बनाने में आपको कोई क्रेडिट कार्ड नहीं मांगेगा, ये बिल्कुल फ्री है ये, जो मैंने अभी जितना किया है इसमें कोई आपसे पैसे नहीं चार्ज करेगा ये, ठीक है? और अनलिमिटेड फ्री भी है ये अभी फिलहाल के लिए, हो सकता है बाद में इसमें पेड कर दें, पैसे लगा दें, लेकिन बाय द वे गूगल प्ले स्टोर पे जब आप अकाउंट बनाते हैं ना अपनी एंड्रॉयड ऐप पब्लिश करने के लिए, तो उसके $25 को चार्ज करते हैं, ठीक है? इसी तरीके से आप जब आईफोन की एप्लीकेशन को पब्लिश करने के लिए आप अकाउंट बनाते हैं ना आईफोन के प्ले स्टोर, आईफोन के ऐप स्टोर में, तो वो $100 चार्ज करते हैं आपसे, और वो एक साल की सब्सक्रिप्शन होती है, उसके बाद फिर $100 देते हैं आप उनको, ठीक है? तो ये इतने पैसे वो लोग ले रहे हैं ऑलरेडी, जो मोबाइल ऐप जो जिनके लिए आप बना के पब्लिश कर रहे होते हैं। यहाँ पे ऑन अदर एंड फ्री ऑफ कॉस्ट है फिलहाल। अच्छा, अभी तक अलेक्सा के लिए कोई थर्ड पार्टी स्टोर अवेलेबल नहीं है, सिर्फ अमेजोन का अपना ही एक स्टोर है। ऑन अदर एंड अगर आप एंड्रॉयड पर देखें तो एंड्रॉयड पर एक तो प्ले स्टोर है, प्ले स्टोर के अलावा भी बहुत सारे स्टोर मौजूद हैं जो थर्ड पार्टी स्टोर हैं, राइट? लेकिन यहाँ पे अभी ऐसा नहीं है, शुरू में भी जाहिर है जब एंड्रॉयड शुरू शुरू आया था तो उसमें भी एक ही प्ले स्टोर होता था ऑफिशियल, और सारे तो बहुत बाद में आए हैं, ठीक है? इसी तरह अगर आप आईफोन के स्टोर की बात करें तो आईफोन में भी एक ही स्टोर होता है ऑफिशियल, ठीक है? उसके अलावा थर्ड पार्टी स्टोर वो अलाउ करते ही नहीं है। तो अभी अलेक्सा पे भी फिलहाल एक ही इनका ऑफिशियल स्टोर है, उसके अलावा कोई दूसरा स्टोर ये अलाउ नहीं करते, ठीक है? लेकिन होपफुली शायद बाद में अलाउ भी करें, बाद में जब ये मज़ीद स्टोर जाहिर सी बात है आएंगे इसमें, मेरा ये ख्याल है कि आएंगे। सर, यू आर शोइंग दिस ऐप ऑन अमेजोन ऑफिशियल स्टोर, बट हाउ टू डाउनलोड इन एंड्रॉयड? अच्छा, मैंने मोबाइल ऐप जो आपको दिखाई थी ना, अलेक्सा की मोबाइल ऐप भी मौजूद है, बट वो पाकिस्तान में फ्रीली अवेलेबल नहीं है, पाकिस्तान में उन्होंने उसको लॉन्च नहीं किया, तो आपको अपना जो स्टोर है ना वो या तो US का करना पड़ेगा, जब भी आप डाउनलोड कर पाएंगे अपने मोबाइल फ़ोन में, जो मैंने आपको दिखाया था मोबाइल में अलेक्सा से मैं बात कर रहा था, वो अलेक्सा की ऐप है शायद, आप उसके बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है? अगर मैं गलत समझाऊँ तो आप प्लीज़ करेक्ट कर दें। बेसिक कॉन्सेप्ट्स ओनली। व्हेन यू स्पीक फ्रॉम अलेक्सा देन इट गिव्स डिले टू आंसर, बट अमेजोन ऑफिशियल विल रिक्वायर डेबिट कार्ड, वी आर इन लर्निंग। नहीं जी, इसमें जो भी मैं यहाँ पे कोर्स में चीज़ें करूँगा आपके सामने, उसमें किसी किस्म का कोई डेबिट कार्ड क्रेडिट कार्ड नहीं चाहिए होगा आपको। ये अकाउंट बनाना और उस पर डिप्लॉय करना और पब्लिश करना, ये पूरा प्रोसेस बगैर डेबिट बगैर क्रेडिट कार्ड के होगा, और इसमें कोई पैसे चार्ज नहीं कर रहा आपसे इस वक्त, होपफुली बाद में करेगा चार्ज, लेकिन अभी नहीं कर रहा, क्योंकि अभी अलेक्सा जो है वो इतना ज़्यादा अभी कॉमन नहीं हुआ है, ठीक है? उनको इस प्लेटफॉर्म को और फैलाना है, तो इसलिए उन्होंने फ्री रखा हुआ है अभी, कोई इसमें क्रेडिट डेबिट कार्ड कुछ भी नहीं चाहिए होगा, ठीक है? सब कुछ बिल्कुल फ्री है। अच्छा, एक इन्होंने बात और की है कि जब हम अलेक्सा से बात करते हैं तो ये डिले एक देता है। अच्छा, ये जो डिले है ना, असल में ये मेरे मोबाइल फ़ोन का फॉल्ट था ये ये अलेक्सा का फॉल्ट नहीं था, ये मेरे मोबाइल फ़ोन का, क्योंकि मेरे मोबाइल फ़ोन में ऑलरेडी 2-3 ऐप्स भी चल रही हैं साथ में, क्योंकि मैं आपके कमेंट्स भी इसी में देख रहा हूँ, तो मैंने साथ में जब दूसरी ऐप चलाई ना और फिर स्क्रीन शेयरिंग की, तो मोबाइल पे मेरे ख्याल लोड पड़ा कुछ, तो वो स्लो डाउन हो गया था, ठीक है? ऑन अदर एंड अगर आप टेस्टिंग के कॉन्सोल पर देखें तो वो फ़ौरन जवाब देता है। अच्छा, लेकिन स्टिल थोड़ा सा डिले उसमें है, ठीक है? थोड़ा सा डिले उसमें इस वजह से है कि बंदा बोलता है जब, और बोल के जब चुप होता है तो वो उसको प्रोसेस करता है पीछे जाके और फिर वापस आता है। अच्छा, लेकिन ये डिले वक्ती है, ये डिले वक्ती तौर पे होता है, हो रहा है वक्ती तौर पे, क्योंकि जाहिर सी बात है अभी टेक्नोलॉजी इवॉल्व हो रही है स्टिल,
ऐसा नहीं है कि अलेक्सा की टेक्नोलॉजी फुल फ्लैश पहुंच चुकी है, ऊपर जा चुकी है, ये स्टिल ये लोग काम कर रहे हैं। और अकॉर्डिंग टू देम, उनके क्लेम के मुताबिक उन्होंने 60,000 एम्प्लॉयज़ जो है ना वो डेडिकेटेड रखे हुए हैं, जो सिर्फ अलेक्सा के ऊपर काम कर रहे हैं, ठीक है, अलेक्सा को बिल्डअप कर रहे हैं, मजीद उसमें चीज़ें ऐड कर रहे हैं वक्तन फ़वक्तन। तो 60,000 एम्प्लॉयज़ इस पर काम कर रहे हैं और ये दिन ब दिन इम्प्रूव हो रहा है, ठीक है ना। तो ऐसा बिल्कुल आप मत समझें कि ये जो अभी परफॉर्मेंस में जो भी छोटे मोटे इशूज़ इसके हैं ये सॉल्व नहीं होंगे, ये सॉल्व होंगे सारे। और ये बहुत तेज़ी से इसको ना इस पर काम कर रहे हैं, बहुत इस पर पैसे खर्च कर रहे हैं अमेज़ॉन वाले, ठीक है जी। अगर और किसी का कोई क्वेश्चन नहीं है तो मैं अभी यहाँ पे इसको एंड करूँगा फिर लाइव को। अच्छा जी, क्या मैं यहाँ पे कमेंट्स देख सकता हूँ? हाँ यार, कमेंट तो दिख रहे हैं मुझे। अच्छा, तो मैं जल्दी से ना इस लाइव सेशन को ख़त्म करता हूँ अभी। अगर किसी का क्वेश्चन है तो कोई 5 मिनट आपके पास है तो 5 मिनट में ना आप जल्दी से ये यहाँ पे कमेंट कर दें, तो मैं आपके कमेंट्स यहाँ पे देख रहा हूँ। और इतनी देर में ना मैं आपको व्हाट्सएप का लिंक देता हूँ, तो जल्दी से सारे लोग ना व्हाट्सएप का लिंक ज्वाइन कर लें, जो व्हाट्सएप का ग्रुप है। अच्छा जी, ये वो QR कोड है, इसको आप चाहें तो स्कैन भी कर सकते हैं। मेरे ख्याल है यहाँ दिख रहा नहीं है ये, मैं कमेंट में ही डाल देता हूँ, ज़्यादा सही रहेगा। अच्छा जी, जो डिफरेंट, क्योंकि डिफरेंट पार्ट्स में ये लाइव सेशन हुआ है तो तमाम डिफरेंट पार्ट्स में मैंने लिंक अपलोड कर दिया है, जो हमारा व्हाट्सएप ग्रुप का जो लिंक है वो अपलोड कर दिया है। तो काइंडली सब लोग जो है ना वो व्हाट्सएप का ग्रुप ज्वाइन कर लें, और आपके जहन में अगर मज़ीद कोई भी सवालात हैं तो वो आप सवालात पूछ सकते हैं। और आपकी जो अगली क्लास है, क्योंकि ये वाली क्लास तो हमारी फ़र्स्ट क्लास थी और ये फ्री सेशन था सब लोगों के लिए, तो जो अगली आपकी क्लास होगी वो ट्यूसडे वाले दिन होगी, ठीक है। मैं आपको डेज़ और टाइमिंग ज़रा एक दफ़ा बता देता हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए कि डेज़ और टाइमिंग कौन सी है। ट्यूसडे, थर्सडे और सैटरडे, ये 3 दिन हमारी क्लास है, ठीक है। रात को 8 बजे से लेकर 10 बजे तक, सेम टाइमिंग जिस टाइमिंग पे ये ओरिएंटेशन क्लास हो रही है आपकी, फर्स्ट क्लास हो रही है, सेम टाइमिंग पे ये क्लास होगी। हफ्ते में 3 दिन होगी और 1 महीने की क्लास है ये, ठीक है। तो जिस डेट को आपकी पहली क्लास हुई है, यानी कि आज 12 फरवरी, तो 12 मार्च तक आपकी ये क्लास चलेगी, ठीक है, पूरे 1 महीने की ये क्लास है। और हो सकता है शायद एक आध दिन शायद ऊपर भी जाए, ठीक है। तो ये आपकी क्लास का ड्यूरेशन है। उसके अलावा
जो फीस पे करने का तरीका है वो क्या है कि इजी पैसा के जरिए आप फीस पे करेंगे। आपको जो व्हाट्सएप का ग्रुप दिया है मैंने, उसके डिस्क्रिप्शन में ये मौजूद है सारी डिटेल्स। इजी पैसा के जरिए या जैस कैश के जरिए आप फीस पे कर सकते हैं। 3,000 फीस है इस कोर्स की, ठीक है जनाब। और आप अगली क्लास से पहले पहले अगर आप फीस पे कर देते हैं तो आपको एक हमने लिस्ट बनाई हुई है सब लोगों की, जो आप आगे से आप लोगों की क्लास होगी गूगल मीट पे, राइट। तो गूगल मीट पे या जूम पे या इस तरह के किसी सॉफ्टवेयर पे इंशाल्लाह हम करेंगे क्लास। तो अगर आप अगली क्लास से पहले पहले फीस पे करके इनरोल होना चाहते हैं तो आप बिल्कुल हो सकते हैं। वैसे तो लास्ट डेट जो थी वो निकल चुकी है, लेकिन उसको मैं मज़ीद एक्सटेंड कर रहा हूँ उन लोगों के लिए जो ये लाइव सेशन देख रहे हैं या जो इस सेशन में शामिल हैं, तो उन लोगों के लिए इसको मैं एक्सटेंड कर रहा हूँ। तो आपकी जो अगली जो भी क्लास है, यानी ट्यूसडे वाले दिन, अब ट्यूसडे को दिन कौन सा होगा, ट्यूसडे को जो दिन होगा हमारा वो होगा, आज सैटरडे, संडे, मंडे, ट्यूसडे, यानी 15 तारीख तक आपके पास टाइम है। मज़ीद अगर आप इनरोल होना चाहते हैं तो 15 तारीख से पहले पहले आपको क्या करना है, जो दिया गया फ़ोन नंबर है, मेरा ही फ़ोन नंबर है, वो मेरा पर्सनल फ़ोन नंबर है, उस पे उस नंबर से आपको इजी पैसा पे या जैज़ कैश पे पैसे पे करने हैं 3,000, और आप इस कोर्स में इनरोल हो जाएंगे। और इंशाल्लाह फिर हम साथ में मिलके अलेक्सा की स्किल किट को सीखेंगे। और बड़ा फ्रेंडली हमने माहौल बनाया हुआ है, जो जो क्लासेस हमारी होती हैं उसमें काफ़ी फ्रेंडली माहौल रहता है, और आप आपस में भी डिस्कस कर सकते हैं, लोगों से सीख सकते हैं, और मुझसे भी आप सीखेंगे। आपको छोटे मोटे असाइनमेंट्स भी दिए जाएंगे जिससे आपकी प्रैक्टिस भी होती रहे, ठीक है जी। तो अब मैं इंशाल्लाह आपसे जो है इजाज़त चाहूँगा। एक दो शायद किसी ने सवाल पूछा हुआ है, वो देख लेता हूँ मैं। सर, व्हाट वुड वी नीड टू इंस्टॉल ऑन आवर पीसी फॉर दिस कोर्स? आपको अपने पीसी में कुछ भी इंस्टॉल करने की ज़रूरत नहीं है, ये सब कुछ क्लाउड पे चल रहा है, ठीक है। ये नई तरह की दुनिया आ गई है भाई, इसमें पीसी में कुछ इंस्टॉल करने की ज़रूरत नहीं होती, सब कुछ क्लाउड पे होगा, ठीक है। आपके पास एक पीसी होना चाहिए, विंडोज़ का हो, लिनक्स का हो, या मैक हो, कोई सा भी हो, सब चलेगा इसमें। अच्छा सर, टुडेज ओरिएंटेशन क्लास वॉज मार्वलस एंड इन्फॉर्मेटिव, थैंक यू सो मच यार। चलो इंशाल्लाह फिर मुलाकात रहेगी क्लास में, बाय।